ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP/IP और कंप्यूटर नेटवर्क्स के हम क्वेश्चन और आंसर सवाल और जवाब देख रहे हैं। एक्सप्लेन द रेंज ऑफ TCP/IP क्लासेस। तो TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल ये पांच क्लासेस IP एड्रेसेस के बताते हैं, डिफाइन करते हैं। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। हर एक क्लास के वैलिड IP एड्रेसेस के रेंज है। यहां आप देख रहे हैं कि ये इसका, जैसे क्लास A का ये स्टार्ट एड्रेस है, ये एंड एड्रेस है। इसी तरीके से हर एक क्लास के स्टार्ट और एंड एड्रेस है, यानी कि वैलिड IP एड्रेसेस है हर क्लास के। जो पहला ऑक्टेट है, यानी कि ये जो पहला ऑक्टेट है, ये आपको बताएगा कौन सी क्लास है। तो ये पहला A, B, C तीन जो ऐसी क्लासेस हैं, इनको हम होस्ट एड्रेसेस के लिए यूज कर सकते हैं। होस्ट मतलब जैसे आपके घर में जो कंप्यूटर है उस तरीके का। जब लोकल नेटवर्क बनते हैं आपका, जैसे दो लोग एक ही वाईफाई यूज कर रहे हैं आपके यहां आपके घर में, या तीन लोग यूज कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको देखेंगे कि अगर आप IP देखेंगे अपना, तो आपको 192.168 इस तरीके से कुछ मिलेगा। वॉट आर प्राइवेट IP एड्रेस। तो दो तरीके के एड्रेस हैं आपके, एक तो प्राइवेट, एक पब्लिक। तो जो प्राइवेट IP एड्रेस है वो एक नेटवर्क आपने बना दिया, जैसे आपका नेटवर्क है, तो प्राइवेट IP एड्रेसेस वो होते हैं जो यहां पर जो होस्ट है वो आपस में कम्युनिकेट करें, यानी कि सेम नेटवर्क पे ये नेटवर्क इसमें बात करें। यहां पर सेम नेटवर्क में आप डेटा भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम प्राइवेट एड्रेस रेंज बता रहे हैं। ये आपके पब्लिक एड्रेस रेंज है, ये आपकी प्राइवेट एड्रेस रेंज है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके ऑफिस में अगर आप अपना IP देखेंगे तो हो सकता है आपको इस रेंज में ये मिले। एक्सप्लेन डज IP प्रोटेक्ट्स डेटा ऑन द नेटवर्क। तो IP है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए IP अपने आप तो कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि डेटा करेक्टली डिलीवर हो जाएगा। IP की बात कर रहा हूं मैं, TCP की बात नहीं कर रहा हूं, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं। लेकिन ये काम जो है डेटा प्रोटेक्शन का, वो जाता है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पे। अब चाहे आप इस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में क्या क्या है, TCP है और UDP है। अब दोनों के पास मैकेनिज्म है कि किस तरीके से वो गारंटी करेंगे कि डेटा वाकई में डिलीवर हो गया। ये दोनों का इसका काम है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। अब अगर आप IP लेयर यूज करते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो पैकेट जा रहा है इसका करेक्ट डेस्टिनेशन कहां होगा और उसकी डिलीवरी हो रही है। तो यहां पर जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, ये देखते हैं कि क्या वो सही तरीके से पहुंचा। तो इसके लिए ही वो चेकसम का यूज करते हैं। चेकसम मतलब ये समझ लीजिए कि हमने यहां से अगर कुछ नंबर्स भेजे, जैसे 8 भेजा और वहां 8 नहीं मिला, तो आप कहेंगे कि भाई चेकसम फेलियर हो गया, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा अगले सवालों में कि कैसे ये चेकसम बनता है। लेकिन यदि अगर डेस्टिनेशन IP है ही नहीं अलाइव, तो पैकेट क्या करेगा, पैकेट घूमता रहेगा और इसका जो टाइम टू लीव है TTL वो आपका कम होता रहेगा। अल्टीमेटली ये जीरो हो जाएगा और पैकेट जो है वो लॉस्ट हो जाएगा या डिलीवरी नहीं होगी। अगर ट्रांसपोर्ट लेयर के UDP की बात करें, इसको ये भी नहीं पता चलेगा कि पैकेट पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। TCP इसीलिए रिलायबल कहा जाता है, UDP अनरिलायबल कहा जाता है। टेल द नेम ऑफ द डेटा यूनिट ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। अब क्या है, कहीं हम पैकेट कहते हैं, कहीं हम उसको कोई सेगमेंट कह देते हैं, कहीं फ्रेम कह देते हैं, तो सबके अलग अलग लेयर पे नाम है। यहां पर सवाल आपसे पूछा गया है डेटा यूनिट ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या कहलाती है। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे देखें तो इसको TCP सेगमेंट, ये ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया, उसका सेगमेंट कहलाता है। या यहीं पे इसको हम UDP को देखें तो डेटाग्राम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो आप ये कह सकते हैं TCP UDP, अभी भूल जाइए, या सेगमेंट कहेंगे या डेटाग्राम कहेंगे। इसी में दूसरा सवाल बनता है कि इंटरनेट लेयर पे डेटा यूनिट को हम क्या कहते हैं। अब हम इस लेयर पे आ गए, तो जो IP डेटाग्राम है उसी को हम पैकेट कहते हैं।
तो इंटरनेट लेयर पे, कई बार इसको नेटवर्क लेयर भी कहा जाता है कई जगह पे, तो जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है इंटरनेट लेयर पे वो है पैकेट। कोई पैकेट कहे या आईपी डेटाग्राम तो बात एक ही होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स? दोनों के दोनों ही आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल है। अंतर इसमें क्या क्या है वो एक करके देखिए। पहला यह है कि टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसका मतलब पहले सेंडर और रिसीवर में एक कनेक्शन स्थापित होगा। जैसे टेलीफोन सिस्टम में क्या होता था, हम फोन करते थे, एक लाइन हमें मिल जाती थी और हमारी बातचीत शुरू हो जाती थी। तो ये कनेक्शन जब तक नहीं बनेगा तब तक यहां पर डेटा का आदान प्रदान नहीं होगा। कनेक्शन ओरिएंटेशन का मीन्स ही यही है कि पहले ये हो, इसको आप सेंटर कह सकते हैं, इसको रिसीवर कह सकते हैं। इन दोनों को एक अपना कनेक्शन स्थापित करना पड़ेगा, चाहे थोड़ी देर के लिए ही, जब तक डेटा ट्रांसफर करना है। और उसके बाद जब एक बार कनेक्शन स्थापित हो गया, तो जब डेटा ट्रांसफरिंग हो गई, तो उसके बाद ये कनेक्शन आप ये खत्म कर देते हैं। यूडीपी जो होता है ये, इसको कहते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी जो है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, ये कनेक्शन लेस कह सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें कोई आपको कनेक्शन स्थापित करना पड़ता है, ना कनेक्शन को मेंटेन करना पड़ता है, ना ही बाद में आपको कनेक्शन का टर्मिनेशन करना पड़ता है या खत्म करना पड़ता है। यूडीपी का मेन काम है, यहां से आपको बस ये पोर्ट नंबर और आईपी पता है, आप यहां से डेटा भेज दीजिए और भूल जाइए। ये है इसमें, ये ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसमें खासतौर पर ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए, क्योंकि यहां अभी और डिफरेंसेस में आपको समझाऊंगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि टीसीपी ये है, इसको एक तो कनेक्शन लेस कनेक्शन, कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस समझ लिया आपने। टीसीपी जो है ये आपका रिलायबल है। रिलायबल का मतलब क्या है कि ये पूरी तरीके से गारंटी करता है कि यहां पर पैकेट की डिलीवरी हो। इसके बहुत सारे तरीके हैं। यूडीपी में डेटा की डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं। टीसीपी इसमें अच्छी खासी एरर चेकिंग है, क्योंकि टीसीपी फ्लो कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है और एक्नॉलेजमेंट भी प्रोवाइड करता है, यानी कि हर एक चीज जो जाएगी उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा। यहीं से ये गारंटी करता है कि डिलीवरी हो रही है। अगर आपने यहां से एक पैकेट भेजा तो वो जाने के बाद इसका एक जरूर भेजेगा। जब तक एक नहीं होगा तब तक अगला पैकेट नहीं जाएगा। या और भी एल्गोरिथम्स है, उसमें आप स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वगैरह सब देखेंगे, लेकिन यहां बस ये समझ लीजिए कि इसके पास एरर चेकिंग है और डिलीवरी रिलायबिलिटी इसी से हो रही है। और एरर चेकिंग मैकेनिज्म, क्योंकि फ्लो कंट्रोल और एक्नॉलेजमेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है जिससे रिलायबिलिटी भी होती है, एरर चेकिंग भी होती है। इसके बाद भी यूडीपी के पास भी बेसिक एरर चेकिंग है, जैसे इसके पास है वो आपका चेकसम है। चेकसम का मतलब ये है कि आप कुछ यहाँ के जो आप पैकेट भेज रहे हैं उसका आपने हेडर लिया और यहाँ पर आपने पेलोड लिया और उसके नंबर्स के कुछ पार्ट जोड़ के यहां भेज दिए। एग्जाम्पल दे देता हूं, बहुत इजी। यहां अगर जुड़ के 8 हो रहा है तो यहां 8 पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचा तो इसका मतलब सही तरीके से नहीं पहुंचा, ये एरर चेकिंग है। टीसीपी और यूडी में जो सीक्वेंसिंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, क्योंकि जब ये डेटा जा रहा है तो उसका सीक्वेंस नंबर भी साथ में जाता है। सीक्वेंस नंबर, जैसे अगर आप मान लीजिए यहां पर ये सीक्वेंस नंबर आप भेजते हैं, मान लीजिए 2 भेजा, तो अगली बार जब ये एक भेजेगा तो 3 नंबर आपको वापस करेगा कि मुझे 2 मिल गया है, अब आप 3 भेजिए। इसका मतलब कि जो पैकेट्स हैं वो बाकायदा आप भेजे कैसे भी यहां पर, उसको रीअसेंबली वगैरह सारी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहां पर सीक्वेंसिंग होती, मतलब सीक्वेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अगर आपको ऑर्डरिंग चाहिए तो वो एप्लीकेशन लेयर को करना पड़ेगा, ये यूडीपी नहीं करेगा। टीसीपी स्लो है यूडीपी से, यूडीपी बहुत फास्ट है, एफिशिएंट भी है। उसका कारण यह है कि टीसीपी को कनेक्शन स्थापित करने पर ही थ्री वे हैंडशेक करना पड़ता है कि सिन भेजा इन्होंने सिंक्रोनाइजेशन के लिए, इन्होंने कहा कि हाँ भाई सिन एक, इसने कहा मैं बात करना चाहता हूं, उसने कहा ठीक है हम बात करेंगे, और फिर एक और एक जाएगी, तो ये थ्री वे हैंडशेकिंग हो गई। और जब डेटा ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद जब टर्मिनेशन होगा तो भी थ्री वे हैंडशेकिंग से ही टर्मिनेशन होगा। तो हर एक बार कनेक्शन स्थापित करना और ये सारे काम करना तो अपने आप ये स्लो हो जाएगा। यूडीपी में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो सीधा आईपी लेगा, पोर्ट नंबर लेगा और भेज देगा।
रीट्रांसमिशन टीसीपी में है। अगर बाय चांस इसमें स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, इसमें आपका अगर पता चला कि भाई कोई पैकेट नहीं पहुंच पाया है या ड्रॉप हो गया है या अनडिलीवर्ड दिखा रहा है, क्योंकि उसके स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल या बाकी जितने भी आपके हैं स्टॉप एंड वेट वो सब ये बताते हैं, तो आप यहां पता लगता है इसको कि ये पैकेट नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसकी एक नहीं आई है, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही है, तो उसको दोबारा रिट्रांसमिशन किया जाता है या तो टाइम के हिसाब से कि भाई अगर टाइम आउट हो गया, या फिर और भी तरीके हैं। यहां पर कोई रिट्रांसमिशन नहीं होता है यूडीपी में। टीसीपी का जो हेडर लेंथ है वो मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 60 है, लेकिन यूडीपी का जो हेडर लेंथ है वो फिक्स्ड है 8 बाइट का फिक्स्ड, क्योंकि टीसीपी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, बहुत सारी चीजें इसमें हैंडशेकिंग वगैरह हो रही है, कनेक्शन स्थापित करना पड़ता है, तो ये हैवी वेट है। लेकिन ये रिलायबल भी है, रिलायबल डिलीवरी है कि अगर आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर आप मेल भेजना चाहते हैं तो आप तो नहीं चाहेंगे ना कोई पैकेट लॉस हो जाए, तो उसके लिए आप टीसीपी ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आप कोई वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं या ऑडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, उसके लिए यूडीपी सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहां पर लैग किसी को पसंद नहीं आएगा, वो जो बार बार लैग आता है ना वो यूडीपी में नहीं आएगा। टीसीपी ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट नहीं करता है, ब्रॉडकास्टिंग मतलब एक ही से बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज देना, यूडीपी ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट करता है। एक और जो अंतर है वो मैं आपको प्रोटोकॉल्स का बता दूं। अभी अभी मैंने आपको ये फाइल ट्रांसफर और मेल बताया था ना, तो जहां पर आपको रिलायबल डिलीवरी चाहिए, जैसे अगर आप HTTP HTTPS के बारे में बात करें, आपने एक वेब पेज खोला और वेब पेज में आधा ही आया आधा नहीं आया, आपको पसंद करेंगे आप, आपने मान लीजिए एक वीडियो फाइल भेजी और यहां पहुंच के वो आधी पहुंची, आधी पिक्चर है नहीं या बीच बीच में कुछ पैकेट्स खराब हो गए, आप कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेल आपकी आधी अधूरी आए, या आप टेलनेट किसी रिमोट एक्सेसिंग कर रहे हैं आप, वो वहां पर आपको रिलायबल कनेक्शन रिलायबिलिटी चाहिए ही चाहिए। तो यूडीपी में जहां रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, जैसे डोमेन नेम सर्विस है उसमें क्यों चाहिए, आपका SNMP है, RIP है, वॉइस ओवर IP है, TFTP, DHCP, DHCP में क्यों चाहिए आपको, आपको तो एक ऑटोमेटिक या लोकल IP लेना है ना, एक होस्ट को लोकल IP लेना है, उसके लिए आपको कनेक्शन स्थापित करना, उसको फिर उसको खत्म करना, उसकी जरूरत है। हाउ TCP प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों, क्योंकि TCP का मेन ये ही है। इसके बाद एक और भी आ गया है, उसको क्विक कहते हैं, ये जो है वो गूगल द्वारा है और ये बेस जो है इसका वो UDP ही है। लेकिन अगर आप TCP की रिलायबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो उसके वो रिलायबिलिटी कैसे इंश्योर करता है, पहली चीज तो ये है कि TCP अगर एरर है, मतलब अगर आपने पैकेट भेजा और वो पैकेट पूरा नहीं पहुंच पाया या इसमें कुछ एरर है, तो उसके लिए चेकसम का यूज करता है। और उसके बाद अगर यहां नहीं पहुंच पाया, डेटा नहीं पहुंच पाया, या डेटा बहुत सारे काम हो सकता है, डेटा लूज हो जाए या करप्टेड पहुंचे, तो यहां पर TCP टाइमर का यूज करता है। साथ में बहुत सारे तकनीक है, जैसे एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रही है कि नहीं आ रही, उन सबको देखकर वो पैकेट का अपने आप रिट्रांसमिशन कर देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा टीसीपी जो है वो बाइट स्ट्रीम है, इसमें स्ट्रीमिंग होती है बाइट्स के हिसाब से जाता है और हर एक में सीक्वेंस नंबर होता है, और क्योंकि सीक्वेंस नंबर है बाइट स्ट्रीम है और यहां से एक्नॉलेजमेंट जो आ रहे हैं उसको भी देखा जाता है, ये सारी चीज मिलाकर रिलायबिलिटी असर्टेन करता है आपका टीसीपी। देखिए एक बार और बताता हूं, जैसे मान लीजिए पैकेट भेजा, अब इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, हर एक का एक्नॉलेजमेंट आना ही है, आपका सेंडर है रिसीवर है, हर एक का एक्नॉलेजमेंट आना ही आना चाहिए, तो कुछ टाइमर के बाद टाइम आउट के बाद ये इसको दोबारा भेजेगा, अब इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा तब दूसरा पैकेट जाएगा, तब उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा तभी बात बनेगी, अदरवाइज इसको ये पैकेट टू दोबारा भेजेगा। इसी तरीके से रिलायबिलिटी काम होती है, मेन चीज है एक्नॉलेजमेंट। अब इसकी कुछ और बात बताता हूं आपको, टीसीपी मान लीजिए डेटा खराब हो गया, डैमेज हो गया, लूज हो गया, डुप्लीकेट हो गया या आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवर हुआ, तो टीसीपी रिकवर करता है, और ये कैसे करता है, ये हर सीक्वेंस नंबर देता है हर एक ऑक्टेट को कि जब भी ये जाएगा तो इसका एक हमें एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए
और अगर आप सीक्वेंस नंबर देखें ना तो इसके हेडर में ये सीक्वेंस नंबर है बाकायदा। इस सीक्वेंस नंबर के हिसाब से एक जोड़ के एक एक्नॉलेजमेंट आता है, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये है, मतलब अगर आपने पैकेट नंबर 3 भेजा तो जो वापिस आएगा एक वो प्लस 1 करके आएगा कि 3 मुझे भेज दिया, अब मैं 4 को वेट कर रहा हूं, 4 का वेट कर रहा हूं। इसी से रिलायबिलिटी इंश्योर होती है। एक और चीज है फ्लो कंट्रोल, ये भी रिलायबिलिटी इंश्योर करती है टीसीपी ट्रांसमिशन। ये कैसे करती है कि जो रेट ऑफ फ्लो है वो कंट्रोल होता है उसमें, आप जैसे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वगैरह इसमें यूज होता है। और इसके लिए मैंने अब जैसे आपको बताया कि ये जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, अब अगर आप विंडो या एक डिसाइड नहीं करेंगे कि इसकी विंडो क्या है उसकी विंडो क्या है, तो उस विंडो के तहत पहले पूरा चेक हो जाएगा कि भाई यहां से जब हमारे पैकेट गए हैं तो हमको सबकी एक मिल गई है, तभी हम विंडो आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज हम इसके लिए वेट करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें विंडो साइज भी है, तो ये सीक्वेंस नंबर विंडो साइज ये इसीलिए है ताकि रिलायबिलिटी इंश्योर हो सके। राइट डाउन द नेम ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टीसीपी। तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपको बहुत सारी सर्विसेज देता है, जैसे प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन है, स्ट्रीम मैंने बताया था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो बाइट स्ट्रीम है, फुल ड्यूप्लेक्स है, दोनों पार्टी आपस में एक साथ बात कर सकती है, मल्टीप्लेक्सिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी। तो आप देखिएगा यहां पर, देखिए ये जो है आपके अलग अलग पोर्ट्स है, पोर्ट नंबर है, और ये नॉर्मली जो है ये सॉफ्टवेयर मैनेज होते हैं और फिक्स होते हैं कई सर्विसेज के लिए। जैसे HTTP, जब भी आप वेब ब्राउजर पे कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो अपने आप ये 80 वाले पोर्ट पे जाके कनेक्शन स्थापित होता है। ऐसे FTP कर रहे हैं तो 21 पे, टेलनेट कर रहे हैं 23 पे, SMTP आपका जो जब आप ईमेल वगैरह करते हैं तो 25 पे, TFTP 69 पे, और भी तमाम इसमें सर्विसेज ये देता है। तो जो पोर्ट नंबर्स हैं 1024 के नीचे जो भी हैं वो वेल नोन पोर्ट्स हैं जो आप देख भी रहे हैं, जैसे मैंने आपको HTTP का एग्जांपल दिया, और ये रिजर्व है स्टैंडर्ड सर्विसेज के लिए। अगर 80 और कोई नहीं ले सकता, वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही लेगा, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि सारी चीजें होती हैं सॉकेट से। अब सॉकेट में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक IP एड्रेस और एक पोर्ट। तो IP एड्रेस तो एक मशीन का स्पेसिफिक हो गया, पोर्ट क्या हुआ, पोर्ट मतलब ये हुआ कि भाई एक नंबर, एक सॉफ्टवेयर मैनेज में कह सकता हूं वो नंबर जो आपके शायद ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टैक में होता है, जहां पर TCP/IP स्टैक है, वहां पर इसका 80 नंबर है, और वो उस जब भी एक सिस्टम कनेक्ट करेगा तो इस आईपी में इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे इस पोर्ट पे जाके वो कम्युनिकेशन स्थापित करेगा, ठीक है जी। एक्सप्लेन TCP प्रोटोकॉल हेडर फॉर्मेट। तो TCP का हेडर कुछ इस तरीके का होता है, अब एक एक करके मैं बताता हूं। कोई भी आप पैकेट कहें, इसको डेटाग्राम कहें, और जो भी नाम दे दें TCP सेगमेंट कहें, इसमें होता यह है कि पहले एक पार्ट जो होगा वो हेडर का होगा, वो आप यहां देख रहे हैं, ये हेडर है, ये भी हेडर है। इसके बाद होता है पेलोड, जो एक्चुअल डेटा जो जा रहा है। तो जो हेडर होता है वो मिनिमम 20 बाइट का होना चाहिए, मैक्सिमम 60 बाइट का होगा, इस बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। सबसे पहला है सोर्स पोर्ट नंबर। अब मान लीजिए दो मशीन है आप, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो सेंडर का जो पोर्ट नंबर है, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, ये दोनों दो दो बाइट के हैं, एक दो बाइट मतलब 16 बिट हो गया। सीक्वेंस नंबर है, सीक्वेंस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पैकेट जाते हैं और इसकी सीक्वेंस नंबर से ही डिसाइड होता है कि कौन सा पहुंच रहा है, कौन सा नहीं पहुंच रहा है, कौन सा रिट्रांसमिट करना है। एक्नॉलेजमेंट नंबर, क्योंकि हर एक TCP जब भी आप स्थापित करते हैं तो एक ऐक आती है, वही एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया। विंडो साइज, कि कितने विंडो साइज पे भेजना है उसको, क्योंकि ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल या जैसे स्टॉप एंड वेट और बहुत सारे ऐसे हैं जिस पे काम करता है। ऐसी चेकसम है एरर रिकवरी के लिए। ऑप्शनल डेटा है, थोड़ा सा इसके बारे में बात होती है कि भाई जो हैकर्स हैं वो यहीं पे घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑप्शनल डेटा है। इसके अलावा यहाँ पर जो हेडर लेंथ है वो बताया गया है 4 बिट। इसके अलावा रिजर्व बिट्स है जो आगे चल के यूज होंगी। कंट्रोल फ्लैग्स है, जैसे ये अगर आपको कनेक्शन फिनिश करना है तो ये वाला अप होना चाहिए, तो फ्लैग्स है 0 या 1 ही वैल्यू होगी इसकी। तो ये आपका अर्जेंट है, एक है, पुश है, RST सिंग, FIN फिनिश, ये भी आपको अगले सवाल में भी आएगा, आगे के सवाल में आएगा। राइट द नेम ऑफ ऑल TCP फ्लैग्स। तो TCP का जो हेडर है 20 से 60 बाइट का हो सकता है, उसमें आप यहां पर देखेंगे ये आपके अलग अलग फ्लैग्स हैं।
अब ये जो फ्लैग है टीसीपी के, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के, इसमें 6 अलग अलग फ्लैग्स हैं। कौन कौन से फ्लैग है देखिए, अर्जेंट, अर्जेंट यानी कोई पैकेट फटाफट भेजना है। एक्नॉलेजमेंट यानी कि भाई वापसी, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है वो वैलिड ये है कि भाई एक्नॉलेजमेंट आई है, ये एक्नॉलेजमेंट है। पुश, पुश के लिए कनेक्शन रीसेट करना है। सिन होता है सीक्वेंस नंबर को सिंक्रोनाइज करने के लिए। अगर टर्मिनेट करना है आपको कनेक्शन तो वो FIN के थ्रू होगा। ये सारे फ्लैग 0 या 1 हो सकते हैं, 0 होंगे या 1 होंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ द टीसीपी चेकसम फील्ड? अब जो चेकसम है, अगर टीसीपी को हटा भी दिया जाए यहां पर, तो चेकसम का मतलब ये होता है कई बार आप जो भी आपके अलग अलग फ्लैग्स हैं या बिट्स हैं उनको आप और कर देते हैं या एग्जॉर कर देते हैं, और फिर वहां जाके सेंडर से उसको रिसीवर में भेजते हैं और चेक करते हैं कि जो वैल्यू यहां से हमने उसको फिर चेकसम में भेज देते हैं, वो चेकसम यहां पर गया, उसको दोबारा चेक किया कि वो आया है कि नहीं आया। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने यहां से 10 भेजा, एक चेकसम करके 10 भेजा, 10 नंबर आ गया चेकसम का, एग्जांपल ले रहा हूं, वो 10 यहां नहीं पहुंचा, वो 11 पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि इसमें डेटा करप्ट हो गया, रिट्रांसमिशन होगा इसमें। तो होता कैसे चेकसम, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए चेकसम ये एरर डिटेक्शन का मैकेनिज्म है, बहुत ईजी है ये, और इसमें डेटा की इंटीग्रिटी चेक होती है, क्योंकि 10 भेजा है तो 10 मिलना चाहिए, 11 ना मिले। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, चाहे आप टीसीपी देखें, यूडीपी देखें, आईपी देखें, ये आपका इसको इंप्लीमेंट करते हैं ताकि ये पता चल सके कि जो रिसीव डेटा है वो करप्टेड है कि नहीं। तो टीसीपी अगर चेकसम के स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें 3 चीजें होती है, एक स्यूडो आईपी हेडर होता है, एक टीसीपी हेडर होता है, और टीसीपी बॉडी। तो टीसीपी का हेडर और बॉडी तो आप देख ही रहे हैं, ये आपका ये दोनों है ही, एक स्यूडो आईपी हेडर बनता है, ये बस बनता है और बस हटा दिया जाता है। ये स्यूडो हेडर को बनाने का बहुत आसान तरीका है, इसमें जो आईपी है सोर्स का, आईपी डेस्टिनेशन का, टीसीपी यूडीपी का जो सेगमेंट लेंथ है 16 बिट, प्रोटोकॉल जो है वो 8 बिट, फिक्स्ड 8 बिट, इनको जोड़ के स्यूडो हेडर बनाया जाता है। ये टेम्पररी बनता है, ये आप देख रहे हैं आप, और फिर इन तीनों को जोड़ के, ये देखिए स्यूडो हेडर जोड़ दिया, ये तीनों को जोड़ दिया, और उसके बाद आपका टीसीपी यूडीपी चेकसम बनता है। ये केवल एक नंबर होता है, जैसे आपने, जैसे मैंने बताया, ये नंबर को यहां चेक किया जाता है, ये नंबर यही मिलना चाहिए, ये अगर मिल गया इसका मतलब आपका डेटा ठीक है, करप्टेड नहीं। वॉट इज अ पोर्ट? अब ये पोर्ट आपसे पूछा जाएगा तो आप इसमें 2 चीजें बोलेंगे। पहली चीज है कि आपके कंप्यूटर के पीछे, अगर आप नेटवर्क, कंप्यूटर के पीछे ना बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, अब ये भी नेटवर्क का काम करते हैं क्योंकि आप कनेक्टिविटी तो यहां से दे रहे हैं, इथरनेट पोर्ट भी तो होता है, HDMI पोर्ट होता है, डिस्प्ले पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट है, आपका USB पोर्ट है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये पोर्ट ऐसे होते हैं। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो वहां पर आप कौन से पोर्ट के बारे में बात करेंगे, वहां जो आप पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे वो क्या है, वो ये वाले पोर्ट है। ये पोर्ट देखिए, एक पोर्ट, एक इसको आप कहेंगे ये फिजिकल पॉइंट है जहां पर एक्सटर्नल डिवाइस आप कनेक्ट करते हैं। तो पोर्ट एक इंटरफेस का काम करता है, कंप्यूटर, ये जो आपका कंप्यूटर है, और बाहर के जो डिवाइसेस हैं, तो आप हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, ये पोर्ट होगा। दूसरे तरीके के जो पोर्ट है जिनको भी पोर्ट कहा जाता है, वो वर्चुअल है, यानी वो सॉफ्टवेयर मैनेज्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा, और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टैक में होंगे वो, मतलब जैसे TCP/IP का है, तो वहां पर ये नंबर जनरेट होते हैं। अब पोर्ट्स ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम इसे मैनेज करता है, और हर एक पोर्ट जो है वो स्पेसिफिक काम करता है। जैसे अगर आप 1024 के नीचे के, 0 से लेकर 1024 के तक के जो देखेंगे वो स्पेसिफिक है। जैसे इसमें मैं 80 उठा लूं, तो 80 जो है वो HTTP के लिए है। जब भी आप वेब ब्राउजर खोलेंगे और HTTP कनेक्टिविटी देंगे या फिर ब्राउजर में कुछ टाइप करेंगे तो HTTP पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। तो TCP के ये पोर्ट नंबर आप देख रहे हैं, और ये UDP के पोर्ट नंबर है, जो नॉर्मली ये फिक्स है। अगर आप TFTP कर रहे हैं, DNS कर रहे हैं, तो वो 53 पे ही जाएगा, ध्यान रखिए DNS, और किसी पे नहीं जा सकता। अब अगर आप HTTPS, तो थोड़ा सिक्योर सॉकेट लेयर इसके साथ, तो 443 पे जाएगा। ऐसी मेल भेजना है तो 25 पे, ऐसी FTP करना है तो आपका 20 है। वॉट आर दी वेल नोन पोर्ट्स यूज बाय TCP? अब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है वो आपका रिलायबल है। रिलायबल मतलब कि
आपका प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन साथ में हर एक टीसीपी सेगमेंट पहुंचेगा, इसकी गारंटी है। तो टीसीपी के लिए वो सारे एप्लीकेशन यूज या क्या है वो प्रोटोकॉल टीसीपी यूज करते हैं जहां पर उनको एंड टू एंड रिलायबल डिलीवरी चाहिए, यानी अगर बाय चांस कोई डेटा पैकेट लॉस भी हो जाता है तो भी रिकवरी हो सके या उसका रिट्रांसमिशन हो सके, उसके लिए इसमें एक्नॉलेजमेंट होता है इसमें, और सीक्वेंस नंबरिंग होती है, विंडो साइज होता है। तो एक एक करके मैं बताता हूं आपको। पहला है इको, इसका पोर्ट नंबर है 7। इको का नाम जैसे बता रहा है, ये केवल इको करता है, जब भी आप सेंड करेंगे ये इको कर देगा। तो टीसीपी यूडीपी वैसे यूज दोनों करता है इको, लेकिन हम टीसीपी की बात कर रहे हैं। ऐसी डिस्कार्ड है, कोई भी डेटाग्राम इसके पास आएगा ये इसे डिस्कार्ड कर देगा। 9 नंबर पोर्ट पे काम करता है ये। और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि आप जब भी कोई चीज अपलोड करते हैं या कोई चीज डाउनलोड करते हैं ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल चलता है, फाइल जिला वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। तो ये टीसीपी यूज करता है, क्योंकि अगर एक बिट भी, एक बाइट भी अगर गड़बड़ हो गई ना तो आप देखेंगे दूसरी जगह पे फाइल खुलेगी नहीं। तो इसलिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 21 जो पोर्ट नंबर है वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के लिए है। कंट्रोल पहले आपको स्थापित करना होता है ना, जहां भेजना है, जिसको भेजना है, पहले कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, बाद में एक्चुअल फाइल ट्रांसफर होता है। तो एक्चुअल फाइल ट्रांसफर होता है 20 पे, 21 कंट्रोल के लिए। उसके बाद है टेलनेट। अब यहां से बैठे बैठे दूसरी मशीन में आप रिमोट लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके लिए टेलनेट यूज होता है 23 पोर्ट नंबर पे। ध्यान रखिएगा 0 से लेकर 1023 ये वेल नोन पोर्ट है, इसके बाद बाकी पोर्ट आप यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब को आपको नहीं देगा, ये सारे जो होंगे इसके बाद ही देगा, ये सारे जो है वो वेल डिफाइंड है। ऐसी आपका SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब SMTP या POP3 के बारे में बात करें, SMTP चलता है 25 पे। जब भी आप मेल Gmail या Yahoo मेल या Outlook यूज करेंगे उसके बैकग्राउंड में, क्योंकि वो तो आपका ईमेल एजेंट है, Gmail आपका ईमेल एजेंट है, लेकिन उसके पीछे SMTP ये आपका मेल भेजने का तरीका है। और फिर POP3 यूज होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, उसको पिकअप करने के लिए, उसको निकालने के लिए। तो ये SMTP 25 पे काम करता है। ऐसी डोमेन नेम सिस्टम है, जैसे www.google.com, यही टाइप करते हो आप, लेकिन google.com तो कुछ नहीं होता है, वो तो IP एड्रेस होगा जहां से आप इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम DNS 53 नंबर है। बेसिकली इसका काम ये है, DNS रिक्वेस्ट देता है, ये नेटवर्क राउटिंग है, जोन ट्रांसफर है, लेकिन 53 पे काम करता है। ऐसे बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है 67। और सबसे ज्यादा जब आप वेब ब्राउजर यूज करते हैं तो कौन सा यूज करते हैं, क्रोम करते हैं, फायरफॉक्स, लेकिन जो भी HTTP या के थ्रू जा रहा है, वेब पेजेस के लिए 80 पोर्ट यूज होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहीं पे अगर आप, मैं HTTP की जगह HTTPS कर दूं तो क्या होगा, पोर्ट नंबर हो जाएगा 443। कौन सा हो जाएगा, 443। अभी मैं POP3 के बारे में बात कर रहा था, वो 110 पे काम करता है। ये रिट्रीव करता है, देखिए मेल बॉक्स, ये मेल बॉक्स है, आप ये चैटिंग तो है नहीं कि फटाफट आपको दिखता है, मेल आप भेजते हैं तो SMTP से यहां भेज देता है मेल बॉक्स में, मेल बॉक्स से निकालने का काम होता है POP3 का। तो ये आपके वेल नोन पोर्ट्स है। डिफाइन द टर्म एंड पॉइंट इन TCP। एंड पॉइंट का मतलब ये है, इससे हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि जब हम TCP कनेक्शन स्थापित करते हैं खासतौर पर सॉकेट के थ्रू, तो हमारे पास एक IP नंबर होता है और आपके पास पोर्ट नंबर होता है, क्योंकि ये पोर्ट नंबर सॉफ्टवेयर द्वारा मैनेज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, और जब आप यहां से कनेक्शन करते हैं तो दूसरे के लिए भी यही चाहिए आपको। तो इसीलिए प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, एंड टू एंड डिलीवरी होती है। TCP जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। अब इस कारण से आप ये समझेंगे कि ये जो एक प्रोसेस है और दूसरा प्रोसेस है, यही आपके एंड पॉइंट है। यहां पर जो एंड पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग है। यहां आप चित्र में देखेंगे TCP एंड पॉइंट आपको ये मदद करता है ताकि आप कम्युनिकेशन स्थापित करें, TCP/IP नेटवर्क कनेक्शन किसके बीच में, आपके सर्वर और क्लाइंट के बीच में, सर्वर और क्लाइंट के बीच में, और इसके बीच में जो अलग अलग होस्ट है वो TCP एंड पॉइंट का काम करते हैं। तो ये TCP जो एंड पॉइंट है, या कहें एंड पॉइंट क्लास,
ये आपका एक टेलीफोन तरीके, जैसे आप पहले फोन टेलीफोन किया करते थे उस तरीके की नेटवर्किंग का मॉडल है। इसमें क्या होता है, क्लाइंट जो है कॉल करता है सर्वर को, सर्वर आंसर करता है क्लाइंट को। एक बार आपने ये नेटवर्क कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया क्लाइंट और सर्वर के बीच में, अब ये इन एंड पॉइंट्स को लेके या कह सकते हैं कि इस कनेक्शन के थ्रू वो रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं। तो टीसीपी जो है, जो टीसीपी यूज करता है पोर्ट नंबर यूडीपी की तरह, लेकिन जो पोर्ट स्पेस है वो थोड़ा यूडीपी से अलग होता है। टीसीपी एंड पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, ये आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर तो है ही है, इसके अलावा अगर आप एंड पॉइंट के बारे में बात करें तो फोर ट्यूपल हो जाएगा, ये भी और ये भी, मतलब सोर्स भी और डेस्टिनेशन, चारों का जो ट्यूपल होगा वो एंड पॉइंट टीसीपी एंड पॉइंट कहलाएगा। एक्सप्लेन द एरर कंट्रोल मैकेनिज्म इन टीसीपी। टीसीपी एरर कंट्रोल कैसे करता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक रिलायबल प्रोटोकॉल है और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। अब ये आपको एंड टू एंड डिलीवरी देगा, प्रोसेस एंड टू एंड डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, और आपका जो पैकेट आपने यहां से भेजा है, वैसे पैकेट नहीं कहते इसको, पैकेट वो नेटवर्क लेयर पे जाके कहलाएगा, यहां पर आप इसको टीसीपी सेगमेंट कहते हैं। तो टीसीपी सेगमेंट को जब आप भेजते हैं तो वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा कैसे, मैं कह रहा हूं पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि नहीं पहुंचने की संभावना में आपको बाकी चीजें टीसीपी खुद देता है। तो टीसीपी प्रोटोकॉल, अगर मान लीजिए कोई टीसीपी सेगमेंट आपका करप्टेड हो गया नेटवर्क के कारण हो गया, तमाम चीज, क्योंकि तमाम नेटवर्क के थ्रू वो जा रहा है, कोई सेगमेंट मिस हो गया या आउट ऑफ ऑर्डर, क्योंकि टीसीपी जो है वो इन ऑर्डर है। अगर आपके दो पैकेट ऐसे तरीके से गए हैं 1 और 2, तो वो 1 और 2 पे ही पहुंचेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये 2 ही पहुंचेगा, पहले 1, 2 और 1 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसे कभी कभी डुप्लीकेट सेगमेंट्स भी हो जाते हैं। तो एरर कंट्रोल टीसीपी में तीन तकनीकें इस्तेमाल होती है, एक है चेकसम, दूसरा है एक्नॉलेजमेंट, तीसरा है आपका रीट्रांसमिशन। तो चेकसम का मतलब यह है कि जो टीसीपी का हेडर है, टीसीपी का हेडर 20 से 60 बाइट का होता है, उसमें यहां पर आप देखेंगे एक चेकसम का फील्ड है, चेकसम यानी कि 2 बाइट का फील्ड है। चेकसम जो है एक इसका जो हेडर है, इसकी हेडर बॉडी प्लस साथ में एक और चीज होती है वो स्यूडो हेडर, इन सबको कंबाइन करके एक हैश वैल्यू जनरेट करता है, और वही हैश वैल्यू जो है वो सेंडर को भेज देता है। अगर सेंडर को, जैसे मान एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपने यहां पर 18 नंबर जनरेट किया, एक एग्जांपल है, और 18 भेजा लेकिन पहुंचा वहां पर 17, तो ये 18-17 को मैच करा लेगा आपका सेंडर और कहेगा नहीं नहीं ये तो गलत भेज दिया, तो यहां पर फिर रीट्रांसमिशन होगा। एक और चीज होती है इसमें, ये रीट्रांसमिशन तब होता है जब या तो एक्नॉलेजमेंट ना मिल पाए या चेकसम गलत हो। तो रीट्रांसमिशन कैसे होगा, एक्नॉलेजमेंट पहले बता देता हूं, यहीं से समझ जाएंगे आप। देखिए, जैसे पैकेट 1 आपने सोर्स से डेस्टिनेशन पे भेजा, अब पैकेट गया लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है हां मुझे पैकेट मिल गया। अगर इसका एक्नॉलेजमेंट इसने भेजा और मिला नहीं, बाय चांस इसने भेज दिया, इसको पैकेट मिल गया लेकिन नहीं मिला, तब क्या होगा, तब ये पैकेट में जो है वो दोबारा जाएगा। यहां पर एक टाइम आउट भी होता है, एक टाइमर भी है, तो अगर वो टाइमर अगर लॉस्ट हो गया, मतलब उस टाइम वो टाइम पूरा हो गया, तो तब भी उसको एक्नॉलेजमेंट, उसके बीच एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तब वो पैकेट 1 अपने आप भेज देगा। तो पैकेट 1 भेजेगा, रिसीवर इसको एक्नॉलेजमेंट करेगा, तभी पैकेट 2 जाएगा, यानी बगैर एक्नॉलेजमेंट को पाए हुए अगला पैकेट नहीं जाएगा। वैसे इसके अलग अलग तरीके, स्टॉप एंड वेट है और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, लेकिन खैर अभी ये समझिए इस तरीके से होता है। तो रीट्रांसमिशन जब होगा, या तो आपको चेकसम एरर आ जाए, उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा फिर आपके पास, आप दोबारा भेजेंगे, और एक्नॉलेजमेंट वैसे भी नहीं आ रहा है तो भी दोबारा भेजेंगे। तो ये इसको बहुत हद तक हम ARQ वगैरह में सम्मिलित करते हैं, जो ARQ एरर कंट्रोल है, इसमें अगर पैकेट लॉस हो गया, डैमेज पैकेट हो गया, तो कई लेयर्स पे अलग अलग काम होता है। जैसे डेटा लिंक लेयर पे CRC चेक होता है, लेकिन वो हर नोड टू नोड चेक होता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं TCP सेगमेंट प्रोसेस टू प्रोसेस। तो रीट्रांसमिशन स्कीम है, अगर चेकसम गलत हो गया। एक्सप्लेन कंजेशन। कंजेशन जैसे आपके नाक में सर्दी हो गई और आपके नाक में जब आप सांस नहीं ले पाते और आपके बलगम रहता है, तो आप क्या कहते हैं उसको कि यार नोज कंजेशन हो गया, मतलब आप सांस नहीं ले पा रहे, सांस नहीं ले पाते नॉर्मली, है ना, तो आपकी सांस आती जाती नहीं। तो वो भाई यही है कि जब एक जगह ट्रैफिक हो गया तो गाड़ियां नहीं जा पाएंगी,
ऐसी पैकेट का ट्रैफिक हो गया तो पैकेट नहीं जा पाएंगे। तो ये सिंपल मतलब है कि नेटवर्क लेयर पे एक ऐसा स्टेट हो जाए जब जो मैसेज ट्रैफिक है वो इतना ज्यादा हैवी है कि पूरे नेटवर्क को ये स्लो कर दे। मतलब बहुत, मान लीजिए ये आपका रास्ता है, यहां से भी गाड़ी आ गई और यहां से भी गाड़ियां आ गई, तो फिर ये अपने आप यहां पर आप स्लो हो जाएंगे, है ना। तो डेटा जो नेटवर्क कंजेक्शन है, कंजेशन है डेटा नेटवर्किंग में या क्यूइंग थ्योरी में भी इसकी बहुत बात होती है, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस यहां रुक जाती है, क्योंकि आप जाहिर है नेटवर्क पास ही नहीं हो रहा, क्वालिटी ऑफ सर्विस इसकी बिल्कुल डाउन हो गई। जब नेटवर्क नोड या लिंक जो डेटा भेज रही है उस डेटा को हैंडल नहीं कर पा रही, तो इससे क्या होता है कि बहुत, जैसे मान लीजिए एक बफर है किसी एक नोड के पास, यहां पर डेटा आया, यहां से भी डेटा आ गया, तो वो अपने बफर तक ही तो ले सकता है, बाकी को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। ऐसी तमाम जगह ऐसा ये सब हो जाए तो उसका मतलब उसे कंजेशन कहते हैं, पैकेट लॉस हो जाए, नए कनेक्शन खत्म हो जाएंगे। तो देखिए ये कंजेशन का कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि पैकेट यहां से आप भेज रहे हैं, पैकेट ये डिलीवरी है, जब पैकेट और ये सब बिल्कुल सही चल रहा होता है तो सब कुछ सही है ना, यहां तक बिल्कुल सही है, जितना आपने पैकेट भेजा उतना आपका डिलीवर, जितना पैकेट भेजा उतना डिलीवर हो गया, लेकिन इतना नॉर्मल हमको नहीं मिल पाता है, तो ये डिजायरेबल है। लेकिन अगर आप पैकेट ज्यादा भेज रहे हैं, ये देखिए पैकेट ज्यादा भेज रहे हैं और डिलीवरी इसकी बहुत कम हो रही है, तो इसको हम कंजेस्टेड कहते हैं, इस पोजीशन पे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये पैकेट आप इतना भेज रहे हैं और डिलीवरी के लिए इतनी हो रही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। देखिए ये दोनों प्रोटोकॉल जो है ये टीसीपी के प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये काम क्या करते हैं अभी आप इसके डिफरेंसेस समझेंगे, हमारे बहुत सारे काम आता है। काम क्या है, पहली चीज कि आपके पास जब आप डेटा भेज रहे हो तो ये देखना होता है कि भाई मेरे पास कितनी जगह है, तुम्हारे पास कितनी जगह है, मेरे पास उतनी, मैं उतना ना भेज दूं जो तुम ना संभाल सको, और क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स है, ध्यान रखिएगा जो टीसीपी है फुल डुप्लेक्स है, और तुम इतना ना भेज सको कि मैं, मेरा जो बफर है भर जाए, तो उतना ही भेजो जितना मैं बताऊं, और वो बताना कब होता है, जब हैंडशेकिंग होती है, जब कनेक्शन स्थापित होता है तो हैंडशेकिंग होती है, आप अपना विंडो साइज बता देते हैं, एमएसएस भी बताते हैं कि जो मैक्सिमम सेगमेंट है कितना आप भेज सकते हो, तो विंडो साइज भी बताते हैं, और मतलब अपना बफर वो एडवर्टाइज कर देते दोनों, सेंडर और रिसीवर दोनों। तो इसमें बहुत सारी तकलीफें आती है, उसको रोकने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बने, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है ही इसके लिए, फ्लो कंट्रोल के लिए। तो अब आप देखिए कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो होता है वो यहां देख रहे हैं आप, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में है कि सेंडर एक पैकेट सेंड करेगा और फिर रुक जाएगा, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा वो दूसरा नहीं भेजेगा। क्लियर हो गया। यहां पर देखिए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो का मतलब यह है कि यहां पर एक विंडो है और ये जो विंडो है ये तभी स्लाइड करेगी, या ये कहें कि इसमें एक से ज्यादा फ्रेम है या एक से ज्यादा डेटा एंटिटी है, ये समझ लीजिए। तो ये आगे बढ़ती रहती है और ये तब आगे बढ़ती है, ये दोनों जगह चल रहा है, ये सेंडर रिसीवर दोनों चल रहा है, ये सारे अभी तक भेजे नहीं गए हैं, ये भेज दिए गए हैं, और ये स्लाइडिंग विंडो है जो अभी जिसका भेज तो दिए एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो जब तक इनके एक्नॉलेजमेंट नहीं आएंगे तब तक ये विंडो स्लाइड नहीं होगी इस तरफ, तो ये स्लाइड विंडो पर ही आपकी रिलायबिलिटी जो है वो निर्भर करती है, रिलायबिलिटी इसी से अचीव होती है ना। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में ये होता है कि सेंडर एक से, यहां तो एक ही आपने केवल एक भेजा, एक फ्रेम, यहां पर एक से मतलब एक फ्रेम नहीं, एक से ज्यादा फ्रेम, आप अगर इसको एक फ्रेम मान लें तो एक से यहां चार फ्रेम भेज रहे हैं, है ना। अच्छा एफिशिएंसी इसकी क्यों खराब है, एक भेजेगा तो रुक जाएगा जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया तो ये तो लाइफ टाइम के लिए बैठ जाएगा। यहां पर क्या है कि आपका एफिशिएंसी बेटर है, क्योंकि अगर आप इसका अगर प्रोटोकॉल समझेंगे, क्योंकि वो अभी नहीं समझा रहा हूं मैं, इसमें क्या है ये बढ़ता भी रहेगा और साथ में एक्नॉलेजमेंट भी मांगता रहेगा, तो एफिशिएंसी इसकी अच्छी है। यहां पर जो आप खुद ही देख रहे हैं कि भाई जब इसका ये जो अगर मैं एक बक्सा बना दूं तो ये एक बक्सा बन जाएगा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, तो सेंडर का जो विंडो साइज है वो क्या है, वो वन है केवल, यहां पर क्या है ये विंडो साइज, इसको मैं मान लीजिए एन कह देता हूं, जो एन यहां पर फोर है तो इसका एन हो जाएगा,
एज जो है वो नंबर ऑफ विंडो फ्रेम्स है, जिसमें कितने फ्रेम्स है, 1, 2, 3, 4, ऐसे चार फ्रेम्स है। अब रिसीवर विंडो साइज इसका कितना होता है, जैसे ये भेजेगा तो क्योंकि फुल ड्यूप्लेक्स है टीसीपी, तो ये भी इसका भी एक ही होगा, ये भी भेजेगा तो ये भी वेट करेगा कि मुझे मिल जाए तो तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तो इसका भी विंडो साइज सेंडर रिसीवर दोनों का आपका एक ही है, एक फ्रेम। यहां पर क्या है, यहां पर आपका रिसीवर का कुछ भी हो सकता है, सेंडर का चार, सेंडर का एन है, वन भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है कि विंडो साइज क्या है उसके हेडर में जो हमको मिलेगा। अच्छा, स्टॉप एंड वेट वर्ड प्रोटोकॉल, इसमें सॉर्टिंग की जरूरत होती नहीं है, एक ही तो एक तो है, इसमें आपकी सॉर्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। इसकी एफिशिएंसी देख रहे हैं आप, 1/1+2 into A है। A क्या है इसमें, ये रेशियो है, ये रेशियो किसका है, प्रोपोगेशन डिले और ट्रांसमिशन डिले, इसका रेशियो है। एफिशिएंसी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की वो है n/1+2 into A, एन क्या होंगे नंबर ऑफ फ्रेम्स और बाकी ए तो आप समझ रहे हैं, तो ये इसकी एफिशिएंसी है। ये आपका हाफ ड्यूप्लेक्स है, ये आपका फुल ड्यूप्लेक्स है, अभी शायद मैंने आपको फुल ड्यूप्लेक्स बताया, मैं करेक्ट कर रहा हूं, ये आपका हाफ ड्यूप्लेक्स है, क्योंकि इसमें ये भेजेगा तो ये रुकेगा और फिर जब रुकेगा तो एक साइड ही एक बार भेज सकती है, मतलब दोनों एक साथ ही भेज सकते हैं, दोनों भेज सकते हैं, लेकिन ये भेजेगा तो ये शांत रहेगा, ये भेजेगा तो ये शांत रहेगा, तो ध्यान रखिएगा ये हाफ ड्यूप्लेक्स है, ये फुल ड्यूप्लेक्स है। What is round trip time? RTT. ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और मेट्रिक कह सकते हैं इसको, आपके खासतौर पर TCP कनेक्शंस में या और भी कनेक्शंस है, लेकिन इसको समझिए पहले क्या होता है। ये टाइम है, कितना टाइम कितना लिया गया, तो लेंथ ऑफ टाइम जिसमें डेटा पैकेट जिसमें आपने डेस्टिनेशन को भेजा और साथ में आपने एक्नोलेजमेंट पाया, मतलब ये भेजने का टाइम और ये भेजने का टाइम, यानी कि अगर इसका जो टाइम है और इसका टाइम, इंद्र को जोड़ दे, इसका टाइम कितना हुआ यहां से यहां तक, इसका टाइम वापस आने का यहां से यहां तक, इंद्र को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, ये टीपी टी सब पी मान लीजिए तो 2TP हो गया है ना, तो बेसिकली राउंड ट्रिप टाइम है, जाना और आना, तो राउंड ट्रिप टाइम ये पूरा टोटल टाइम है जिसमें आप पैकेट भेजते हैं, फर्स्ट पैकेट डेस्टिनेशन को और वापिस जो आता है, ये इंद्र को जोड़ के RTT बनता है। What is the significance of TCP acknowledgements? देखिए TCP acknowledgements reliability ensure करता है। अब acknowledgement जो होता है, ये TCP का header है, इसमें acknowledgement number है, कितना है 4 byte का, कितना 4 byte का, sequence number कितना है 4 byte का, checksum कितना होता है 2 byte का, तो ये सारी जो sequence number, acknowledgement number, checksum और एक कुछ हद तक window size भी, ये तीनों बहुत जरूरी है और ये सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर ही रिलायबिलिटी के दारोमदार है। तो इसमें TCP एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब होता है, TCP का जो एक्नॉलेजमेंट है, मतलब जब आप किसी से बात करेंगे और दूसरा जवाब नहीं देगा तो आप क्या क्या समझेंगे, यार मेरी बात तुमने सुनी या मेरी बात तुम्हारे तक पहुंची कि नहीं पहुंची। लेकिन अगर TCP एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो वो मतलब है कि मैंने कहा हेलो, उसने कहा हाय, तो मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल गया, इसका बात मैं समझ गया कि उसने मेरी बात सुन ली। यही यहां पर है कि आपने जब कुछ भेजा तो उसका अगर एक्नॉलेजमेंट आया, इसका मतलब इन्होंने कहा है कि मेरे पास वो चीज पहुंच गई। तो TCP एक्नॉलेजमेंट ये पैकेट्स को एक्नॉलेज करने के लिए होता है कि मेरे पास पैकेट सक्सेसफुली आ गया है। तो इसमें आप देखिएगा ये जो कंट्रोल फ्लैग्स हैं, इसमें एक फ्लैग होता है, इसमें एक फ्लैग है जो एक फ्लैग होता है, ACK, ठीक है जी, वो जो ACK फ्लैग होता है वो 1 होता है, 1 होगा इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, वैलिड एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो जब TCP कम्युनिकेट करता है, कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं TCP के थ्रू, तो जो पैकेट यहां से गया यहां पहुंचा, इसका इसकी एक्नॉलेजमेंट, इसकी मतलब मुझे पहुंच गया, वो वापस जाता है किसके थ्रू जाता है, ACK के थ्रू। और ये कैसे होता है, जब ये पहुंचेगा, ये वाला जब भी पैकेट पहुंचेगा तो इसका जो हेडर होगा उसका ACK 1 होगा, ओके। और यही चीज जो है वो कई बार जब आप, क्योंकि यहां पर डेटा भी जाता है ACK भी जाता है, तो उसे पिगी बैकिंग कहते हैं, ये भी हो जाता है। अब इसमें मैं आपको बता रहा था सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर जो होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई बाइट भेजी, मान लीजिए आप 50 सीक्वेंस नंबर से शुरू कर रहे हैं, 100 byte भेज रहे हैं, तो 50 से लेकर आपका 100 जोड़ लीजिए, वो यहां तक एंड होगा, ये 100 byte है। ध्यान रखिएगा कि TCP जो बाइट स्ट्रीम होता है, तो आपने भेजा ठीक है, यहां से यहां से मान लीजिए ये भेज दिया,
अब जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, ये सीक्वेंस नंबर है, ये सिन है, ये सीक्वेंस है, सॉरी ये सीक्वेंस है। जब एक्नॉलेजमेंट आएगा, जैसे यहां से ये भेजा, एक्नॉलेजमेंट जब आएगा वो क्या आएगा, जो एक होगा वो होगा 50+1, 51, मतलब एक नंबर ज्यादा, कि मुझे 50 तो मिल गया, जरा 51 भेज दो यार। ये है एक्नॉलेजमेंट ऑफ सिंस, जो सीक्वेंस नंबर है उसका ये काम है। सीक्वेंस नंबर का जो पहला है वो नंबर जो है वो, और साथ में बाइट। अब जैसे अगली बार जब एक आएगा, जैसे 51 पहुंच गया, तो अगला एक जो आएगा वो 52 आएगा, कि भाई मेरे पास 51 पहुंच गया, 52 भेज दो। व्हाट इज रीट्रांसमिशन? हम टीसीपी के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो उसमें रीट्रांसमिशन क्या होता है? रीट्रांसमिशन का मतलब यह है कि अगर आप फोन पे बात कर रहे हो और आपकी बात सुनी नहीं, या फिर कोई बर्स्ट, नॉइज बर्स्ट आ गई, तो वो दूसरा बोलेगा अरे क्या बोला यार आपने, तो आप दोबारा बोलेंगे। तो रीट्रांसमिशन का मतलब होता है दोबारा बोलना। देखिए टीसीपी रीट्रांसमिशन का मतलब ये है कि आपका पैकेट जो है उसको आप रीसेंड कर रहे हैं। मान लीजिए आपने यहां पर कुछ भेजा और एक्नॉलेजमेंट, हर एक टीसीपी सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट आता है, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया वो लॉस, वो लूज हो गया है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपको इसको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। रीट्रांसमिशन एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो रिलायबिलिटी, क्योंकि टीसीपी का मतलब क्या है, आप कहते हैं टीसीपी रिलायबल है, और रिलायबल का मतलब क्या है कि भाई अगर कुछ लूज हो गया तो हम आप कभी अगर लूज भी हो गया तो वापस भेजा जाएगा। तो जो रीट्रांसमिशन है, ये डिलीवरी, ये बेसिकली इंश्योर करता है कि अगर पैकेट लॉस्ट या डैमेज भी हो गया, खराब भी हो गया, गिर भी गया है, या कोई अनडिलीवर रहा, डुप्लीकेसी हो गई, तो भी वापिस जरूर भेजा जाएगा, क्योंकि जिस नेटवर्क में आप भेज रहे हो वो तो अनरिलायबल है ना। टीसीपी रिलायबिलिटी इंश्योर कर रहा है, नेटवर्क तो नहीं कर रहा। तो टीसीपी कैसे रिलायबिलिटी इंश्योर करेगा कि अगर मान लीजिए कोई टाइमर आउट हो गया, या मान लीजिए मेरे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो हम रीट्रांसमिट करेंगे। ठीक है जी, तो एक्नॉलेजमेंट और ये रीट्रांसमिशन, यही दोनों मिलके आपका रिलायबिलिटी इंश्योर करते हैं। इसमें एक और चीज समझिए, टीसीपी रीट्रांसमिशन का मतलब यही है कि जो पैकेट्स है उनको आपको रीसेंड करना है। एक बार आपने भेज दिया कोई बात नहीं, इसका एक नहीं आया है ना, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो आप रीट्रांसमिट करेंगे, इसी से रिलायबिलिटी होती है। एक ये क्वेश्चन है, इफ टीसीपी राउंड ट्रिप टाइम आरटीटी, आरटीटी राउंड ट्रिप टाइम होता है, इज करंटली 30 मिलीसेकंड एंड द फॉलोइंग एक्नॉलेजमेंट कम्स इन आफ्टर 26, 32, 24 मिलीसेकंड, आप पहला लेंगे, व्हाट इज द न्यू आरटीटी एस्टिमेट? इसमें एक अल्फा की वैल्यू होती है, ये आपने अगर ये क्वेश्चन या फिर एक्सप्रेशन देखा हो तो अल्फा की वैल्यू आप जानते हो। खैर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला ये है सर, तो हम क्या करेंगे, 30 मिलीसेकंड और 26, ये कहां कहां रखना बस मैं आपको बता देता हूं, अल्फा 0.9 है, तो आपको 30 जो है वो यहां रखना है और 26 आपको यहां रखना है, अल्फा की वैल्यू आपको 0.9 कर देंगे, तो आपका न्यू आरटीटी जो है राउंड ट्रिप टाइम आपका 29.6 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। राइट डाउन फीचर्स ऑफ टीसीपी। अब इसी में आप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी जोड़ लीजिए, क्योंकि टीसीपी की बात हो रही है, साथ में ट्रांसपोर्ट लेयर भी जोड़ लीजिए। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के काम कौन कर रहा है मेनली, टीसीपी और यूडीपी कर रहे हैं, और भी है प्रोटोकॉल, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेन हम टीसीपी यूडीपी ही देखते हैं उसमें। तो एक एक करके मैं फ्यूचर बताऊंगा इसके। देखिए पहले मैं थोड़ा सा यहां पर आपको एक हल्का सा आइडिया दे दूं। देखिए जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी, एक एससीटीपी भी है, इसका भी अगले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आएगा ये। खैर यहां पर होस्ट ए से होस्ट बी हम एंड टू एंड कनेक्शन देते हैं। एंड टू एंड कनेक्शन का मतलब है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन और एंड टू एंड ट्रांसमिशन। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है आपके, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में तो जैसे मान लीजिए आप किसी फेसबुक पे कुछ टाइप कर रहे हैं या कुछ डेटा शेयर कर रहे हैं, तो फटाफट डेटा आता रहेगा, वो डेटा पहुंचता रहेगा इनके पास। अब टीसीपी क्या करेगा, उस डेटा को लेगा, सेगमेंट बनाएगा, हेडर जोड़ेगा और आगे बढ़ा देगा, है ना। और ये जो है वो किसको देगा, ये जाएगा नेटवर्क लेयर पे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर यहां से लेता है टीसीपी या यूडीपी के थ्रू, जो भी आपका यू नो वो एप्लीकेशन डिसाइड करता है, जैसे एचटीटीपी है तो वो टीसीपी यूज करेगा, अगर आपका डीएनएस है तो वो यूडीपी यूज करेगा। अब इस डेटा को हम डिवाइड करेंगे और फिर ये नेटवर्क पे जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि कनेक्शन ओरिएंटेड है। इसका मतलब ये है कि जब आप टीसीपी का यूज करते हैं तो सेंडर और रिसीवर एक थ्री वे हैंडशेकिंग करते हैं
और बातचीत स्थापित हो जाती है, जैसे आप टेलीफोन करते थे ना पहले, जब बहुत पहले टेलीफोन किया करते थे तो उसमें आप क्रेडल उठाते थे, कॉल करते थे, और वो कनेक्शन स्थापित रहता था जब तक आप बात कर रहे हैं। तो एक कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसलिए आप पहले थ्री वे हैंडशेकिंग से कनेक्शन एक लाइन बना लेंगे और उसके बाद आप डेटा ट्रांसफर शुरू करें। दूसरा है स्ट्रीम डेटा ट्रांसफर। ये जो टीसीपी है उसमें बाइट स्ट्रीम जाती है, मतलब हर चीज बाइट होगी। ध्यान रखिएगा, जो टीसीपी सेगमेंट बनता है वो बाइट का सेगमेंट बनता है। इसका बनेगा, ये बाइट स्ट्रीम है। एक बाइट कितना होता है? 8 बिट। ये बाइट स्ट्रीम है, तो इसका मतलब ये है टीसीपी की का काम होता है कि वो बाइट स्ट्रीम को पैकेट बनाए, जिसको टीसीपी सेगमेंट में कह रहा हूं, क्योंकि ये आती जा रही है, बाइट आती जा रही है। ये क्या करेगा कि इसका एक बाइट स्ट्रीम बनाएगा, मतलब इसका एक सेगमेंट बनाएगा, कुछ इसमें से चंक ले लेगा, फिर ये बना के आगे ट्रांसपोर्ट लेयर को भेज देगा और सबने अपना हेडर लगा देगा। ये है हेडर पूरा, देखिए ये पूरा हेडर है, ये 20 से 60 बाइट का होता है टीसीपी का। वो उसके बाद फिर वो आईपी लेयर पे जाता है, फिर आगे डेस्टिनेशन डिवाइस पे जाता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टीसीपी की है वो है कनेक्शन ओरिएंटेड तो हो गया, वो रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। रिलायबिलिटी मतलब ये है कि अगर डेटा लॉस हो गया, मतलब मेरे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो मैं इसको रिट्रांसमिट करूंगा। रिलायबिलिटी मतलब रिट्रांसमिशन। और एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मतलब यह कि मैंने पैकेट भेजा, मुझे बताइए कि आपको मिला कि नहीं मिला, ये रिलायबिलिटी हो गई। और नहीं मिल पाया तो हम दोबारा भेजेंगे, ये हो गया रिट्रांसमिशन। पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है ये जिसमें लिखा एंड टू एंड। यहां पर आप पोर्ट जैसे सॉकेट से करते हैं, यहां सॉकेट खुलेगा, यहां से सॉकेट आप कनेक्ट करेंगे और सॉकेट में होगा पोर्ट एड्रेस, आईपी भी होगा, पोर्ट एड्रेस भी होगा, आईपी ऐसे आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस। पोर्ट क्या होगा? वो आपका सॉफ्टवेयर जनरेटेड होता है। जैसे मान लीजिए आप यहां से वेब पेज एक्सेस कर रहे हैं, वेब पेज, और यहां पर आपका वेब सर्वर है, तो आप ये जो पोर्ट नंबर होगा ये आप डेस्टिनेशन का 80 रखेंगे। आपको तो अपना खुद कुछ मिला होगा, ये 80 भेजेंगे, जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है 80 भेजेंगे। आपका हो सकता है कुछ 50,000 टाइप हो। ये पॉइंट टू पॉइंट एंड टू एंड डिलीवरी करता है। इसके अलावा एरर और फ्लो कंट्रोल, देखिए जो ये जो SYN है ना, ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक फ्लैग है। इसके बाद सीक्वेंस नंबर, यहां पर देखिए सीक्वेंस नंबर आ रहा है आपका। हर बार जो एक्नॉलेज, जब सीक्वेंस नंबर, मतलब ये मेरा डेटा का सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर होता है कि आपका ये जो डेटा है इसका पहला जो बाइट है उसका नंबर है, तो जब ये जाएगा तो जब इसका एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, तो एक्नॉलेजमेंट क्या आएगा, इसका नंबर एक बढ़ के 8001 आएगा कि भाई मुझे 8000 मिल गया है, 8001 भेज दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, एक एक्नॉलेजमेंट हो गया, एक्नॉलेजमेंट फंक्शन हो गया। एरर चेकिंग कैसे होगा? इसमें होता है ये चेकसम। चेकसम कैसे होता है? ये हेडर प्लस जो डेटा होगा, मतलब इस तरीके से टीसीपी सेगमेंट बनेगा ना, ये हेडर होगा, ये पेलोड होगा, मतलब डेटा होगा, इन दोनों का हम इनको जोड़ेंगे, एक स्यूडो हेडर भी बनता है, उन तीनों को कंबाइन करके एक हैश नंबर जनरेट करते हैं और वो भेज देते हैं। ये नंबर और वो नंबर मैच होना चाहिए, अदरवाइज एरर हो जाता है, चेकसम मैच कराया जाता है। फ्लो कंट्रोल कैसे होता है? फ्लो कंट्रोल जो होगा ये आपके विंडो साइज से होगा। इसमें हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वगैरह यूज करते हैं कि भाई इससे ज्यादा मत भेजो, और साथ में जब भी आपका ये आपस में बातचीत होगी ना, इसे थ्री वे हैंडशेकिंग, तो ये अपना विंडो साइज और ये अपना विंडो साइज, ये अपना बफर साइज और ये अपना बफर साइज, दोनों एक दूसरे को बता देते हैं कि भाई इससे ज्यादा मत भेजिए। फुल ड्यूप्लेक्स है, मतलब यहां से भी ये भेज रहे हैं और यहां से भी ये भेज रहे हैं, एक साथ भेजना और लेना शुरू है, फुल ड्यूप्लेक्स है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल। अब होता यह है कि जब भी टीसीपी कनेक्शन स्थापित होता है तब यह थ्री वे हैंडशेकिंग होती है। अब इसमें होता यह है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में बताता हूं। होता यह है कि मान लीजिए ये होस्ट ए या कंप्यूटर ए होस्ट बी से कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है या डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, तो सबसे पहले होस्ट ए होस्ट बी को बोलेगा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। यहां पर होस्ट भी बोलेंगे वापस, इनको जवाब में बोलेंगे, ठीक है एग्रीड, मैं भी आपसे बात करना चाहता हूं। और फिर उसके बाद ये भी बोलेंगे, ठीक है ओके चलिए बात करते हैं। तो ये तीसरा हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि टीसीपी कनेक्शन में हर एक जो भी कम्युनिकेशन या कोई भी बातचीत होती है,
चाहे वो कनेक्शन को स्थापित करना हो, कनेक्शन को खत्म करना हो या डेटा ट्रांसफर करना हो, हर एक इस तरीके के डेटा को या किसी भी कनेक्शन स्थापित करने को एक एक जरूर मिलेगी। एक्नॉलेजमेंट ही सारा दारोमदार है रिलायबिलिटी के लिए, इसीलिए हम टीसीपी को रिलायबल प्रोटोकॉल कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है ये। तो चलिए अब इसका ये बताता हूं ये चीज क्या हो रही है। इसके लिए आपको इसका हेडर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए टीसीपी का। पहला जो स्टेप है वो है SYN। ये SYN है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। जो पहला है, क्लाइंट चाहता है कि वो सर्वर के साथ कनेक्शन स्थापित करे, तो वो ये SYN भेजता है जिसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन सीक्वेंस नंबर। क्या है? SYN, सिंक्रोनाइजेशन सीक्वेंस नंबर, SYN हो गया। वो ये सर्वर को बताता है कि मैं अब कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहता हूं और मेरा सीक्वेंस नंबर क्या होगा। तो यहां इनका सीक्वेंस नंबर है 1, ध्यान रखिएगा। अभी इसकी वैल्यू बताऊंगा कैसे यहां पर आएगी। यहां तक हो गया, पहली चीज समझ गया कि पहली चीज ये हुई कि ये इनसे बात करना चाहते हैं, इन्होंने एक SYN सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हैं और सीक्वेंस नंबर कोई भी ये नंबर हो सकता है। चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं, 1 है। अब अगला क्या होता है? अब जो सर्वर है या होस्ट बी है, ये वापस क्या करेंगे? ये रिप्लाई करेंगे क्लाइंट को सिन और एक दोनों के साथ, यानी सिन और एक ये सिग्नल बिट सेट है, इस दोनों के साथ करेंगे। एक्नॉलेजमेंट क्या बताएगा, ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस नंबर था 1। ये जो शुरुआत करना चाहते हैं सीक्वेंस 1, मतलब ये जब ये बातचीत शुरू करेंगे तो इनकी जो भी बाइट भेजेंगे, जो भी डेटा भेजेंगे, उसकी पहले बाइट का नंबर होगा 1। ये कुछ भी हो सकता है, रैंडम जनरेटेड है, हम मान के चलते हैं ये 1 है। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट वापिस भेज रहे हैं वो ये कह रहे हैं, ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली, मैं बात करूंगा एक्ट 2 का। मतलब ये होता है जो भी सीक्वेंस नंबर होगा उसका एक बढ़ा के भेजेंगे। ठीक है जी, एक्नॉलेजमेंट जो होता है हमेशा एक्ट जो होता है वो सीक्वेंस प्लस 1 होता है। तो ये बोलेंगे ठीक है, हम बात करेंगे, और वो ये बताते हैं सीक्वेंस नंबर। ये इन्होंने ये तो बता दिया कि ठीक है, हम आप ठीक है, 1 आप हो गया, अब 1 मुझे मिल गया, अब आप 2 से भेजना शुरू करिए। साथ में जब वापस भेजते हैं तो ये सीक्वेंस अपना बताते हैं, जैसे इन्होंने कहा सीक्वेंस मेरा 1 है कि मेरी बाइट जो आएगी उसका पहला नंबर 1 होगा। ये भी बताते हैं, ठीक है साहब आपने तो बता दिया, हमारा जब बाइट आएगी तो उसका जो पहला जो वो होगा सीक्वेंस नंबर, पहले बाइट का नंबर जो होगा वो होगा 50, मतलब इनका होगा 50। इन्होंने जवाब भी दे दिया 1 प्लस करके और अपना सीक्वेंस नंबर भी बता दिया। ये हो गया, अब मतलब ये भी तैयार हो गया कि हम भी बात करना चाहते हैं। अब तीसरा जो होगा वो ये होगा एक, ये फाइनल पार्ट है 3-way हैंडशेकिंग का। क्लाइंट फिर से एक्नॉलेज करता है, इस रिस्पॉन्स देता है सर्वर को कि ठीक है, हम एक्चुअल डाटा ट्रांसफर शुरू करते हैं। और यहां पर ये जो एक भेज रहे हैं, मैंने आपसे क्या कहा एक सीक्वेंस प्लस 1 होता है, तो इसका एक क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट क्या होगा, इनके सीक्वेंस का एक जोड़ के, ठीक है, कि अब 51 इसका एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल काम करता है। कनेक्शन स्थापित अब हुआ है, इसके बाद बेटा डेटा ट्रांसफर शुरू होगा। ठीक है जी, तो यहां पर यह हुआ कि जो पहला और दूसरा स्टेप है ये वाला, ये कनेक्शन पैरामीटर जो सीक्वेंस नंबर है, सीक्वेंस नंबर दोनों में आ गया। ये देखिएगा, ये एक डायरेक्शन में, ये भी एक डायरेक्शन में, इन्होंने क्या, इन्होंने एक्नॉलेज कर दिया। जो स्टेप 2 और 3 है, ये सीक्वेंस नंबर इन्होंने भेजा इस डायरेक्शन में, इन्होंने इस डायरेक्शन में भेजा सीक्वेंस नंबर, इन्होंने इस डायरेक्शन में भेजा, और फाइनली यहां पर एक्नॉलेजमेंट आ गया। अब एक तरीके से फुल ड्यूप्लेक्स, यानी कि दोनों एक साथ भेजेंगे, ये कम्युनिकेशन स्थापित हो गया। वॉट इज SCTP प्रोटोकॉल? अब ये आया कहां से और इसका हम क्यों समझ रहे हैं? ये आया है TCP से, इसीलिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल समझना है तो आपको उसके आगे का भी जानना है। SCTP प्रोटोकॉल, देखिए SCTP जो प्रोटोकॉल है उसका फुल फॉर्म है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। क्या इसका फुल फॉर्म है? स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये TCP की तरह कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ये आपको फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन देता है, यानी कि दोनों पॉइंट से कम्युनिकेशन हो सकता है। इसको हम TCP या TCP NG भी कह रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन, इसको हम या तो कहेंगे
नेक्स्ट जनरेशन टीसीपी, या इसका शॉर्ट में हम कह सकते हैं टीसीपी एनजी, एनजी है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। खास तौर पे जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है उसके लिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग है। अगर आप वॉइस के साथ डेटा एक साथ भेजना चाहते हैं तो टीसीपी के साथ कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो वो एससीटीपी है। बहुत आसानी से एससीटीपी से आप रिलायबल कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं। और इसका मेन काम यह है कि कनेक्शन तो स्थापित हो वायरलेस नेटवर्क पे खासतौर पे, और साथ में जो मल्टीमीडिया डेटा है उसका भी ट्रांसमिशन हो सके। मल्टीमीडिया में ऑडियो वीडियो सब आ जाता है। तो एसटीपी का जो ये जो स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो आपके आरएफसी 2960 में है, और इसको डेवलप किसने किया है, आईईटीएफ यानी कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने। डिफरेंशिएट बिटवीन लीकी बकेट एंड टोकन बकेट एल्गोरिथम। पहले मैं आपको लीकी बकेट बताता हूं। पहले तो आप समझ लीजिए, ये हम बाद में इस पे आएंगे, एक्चुअल जो कम्युनिकेशन होता है या डेटा ट्रांसफर होता है। यहां पर देखिए एक बकेट है, एक बाल्टी है, उसमें आप कितना भी पानी बहाएं, कितना भी पानी भरे, इस नॉब के हिसाब से है। नॉब अगर आप थोड़ा सा कम खोलें तो कम पानी आएगा, ज्यादा खोलें तो ज्यादा पानी आएगा। तो कम खोलेंगे तो मान लीजिए 2 Mbps आ रहा है, ज्यादा खोल दिया तो एकदम से 12 Mbps भी आ जाएगा। अब इतने वैरायटी, इसको हम कहते हैं बस्टी डेटा, एकदम से इतना आएगा, इतना तो काम नहीं चलेगा, कैसे हैंडल करेगा आपका जो चैनल है, यहां मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए लीकी बकेट एल्गोरिथम ये होता है कि आप पानी कितना भी डालिए, इसके अंदर एक छोटा सा होल है और उतना ही पानी निकलेगा। ज्यादा डालिए कम डालिए, पानी इतना ही निकलेगा। तो ये देखिए, चाहे आप 2 Mbps डालिए, 12 Mbps डालिए, हम तो भाई 3 Mbps ही भेजेंगे। तो 3 Mbps मतलब इसका जो होल है वो 3 Mbps का है। तो 12 Mbps डालिए, 2 Mbps डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकलेगा 3 Mbps ही। क्लियर हो गया लीकी बकेट क्या हुआ। अब आइए टोकन बकेट एल्गोरिथम। टोकन बकेट क्या करता है थोड़ा सा समझिए। देखिए यहां पर क्या हुआ, आपके 5 packets आए, इस बकेट में 3 token है। अब ये पहला आएगा, ये टोकन लेगा, यहां पर आ जाएगा। दूसरा आएगा, ये टोकन लेगा, यहां आ जाएगा। तीसरा आएगा, ये टोकन लेगा, यहां आ जाएगा। तो क्या हुआ, ये था 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3 को 3 ticket टोकन मिल गए, तो यहां पर क्या आ गया, 1, 2, 3 तीनों आ गए। अब हो गया टोकन खत्म, अब ये दोनों नहीं आ सकते जब तक टोकन फिल ना हो। इसी को टोकन बकेट एल्गोरिथम कहते हैं। जब यहां पर होस्ट यानी कि जो कंप्यूटर है, जब यहां पर आपका पैकेट सेंड करेगा तो इस बकेट के अंदर पैकेट आएगा। पहले जो भी बकेट पैकेट आता रहेगा वो इस बकेट में जाता रहेगा। ये भी एक लीकी बकेट है, ये भी तो लीकी बकेट ही है ना, लेकिन इसमें टोकन होंगे और टोकन रेगुलर इंटरवल में इसमें डाले जाएंगे, और जब तक टोकन ये नहीं लेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। ये बस्टी जो बस्टी डेटा है ना उनको हैंडल करने के लिए है ये, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि एक ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, 12 Mbps को 3 Mbps कर दे रहा है, लेकिन मान लीजिए कि आपका बस्टी डेटा कभी कभी आता है तो 3 Mbps एकदम फिक्स्ड हो गया ना, हमेशा फिक्स्ड ही। आपको अगर तेज डेटा रेट चाहिए तब भी नहीं कर सकता ये। यहां पर क्या है कि 3 के बाद ये रिफिल करना चाहेगा, जब तक इसमें आपके एक्स्ट्रा टोकन नहीं आएंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते, ये फिर स्टार्वेशन में चला जाएगा। ये चीज है, इसके भी तकनीकी है, लेकिन अभी खैर एल्गोरिथम के डिफरेंस समझिए। जो बकेट है ये कांस्टेंट रेट पे लीक कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे 2 डालिए चाहे 12 डालिए, आएगा 3 Mbps ही बाहर। यहां पर क्या होता है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इस बकेट की मैक्सिमम कैपेसिटी है। टोकन जब तक है आपके पैकेट पास होते रहेंगे। मान लीजिए यहां पर पूरे के पूरे 5 token होते तो 5 के 5 पास हो जाते। जो बस्टी ट्रैफिक है, ये जो बस्टी ट्रैफिक है यानी कि 12 Mbps 2 Mbps आ रहा है, एकदम से 12 आ गया, उसको हम यूनिफॉर्म पैकेट में बदल देते हैं, यानी कि 3 Mbps में जाएगा। क्लियर। यहां पर आइए, यहां पर आपका जो पैकेट है, जब तक वो टोकन नहीं लेगा इस बकेट से तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, और टोकन होंगे तभी आगे बढ़ेगा। टोकन ले लेगा तो आ जाएगा, टोकन नहीं होगा तो रह जाएगा। अंतर सब इसी टोकन का ही है। इसमें होता यह है कि जब प्रैक्टिस में हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो ये एक क्यू है, फाइनाइट क्यू, और इससे आप
एक कॉन्स्टेंट रेट पे चीजों को बाहर भेज रहे हैं, बस ये समझ लीजिए। यहां पर एक ही एक समस्या जो मैंने पहले भी बताई आपको, अगर टोकन में टोकन खत्म हो गया इस बकेट में, पैकेट आएंगे ही नहीं, पैकेट रुक जाएंगे। व्हाट आर दी टीसीपी कनेक्शंस फेजेस? तो टीसीपी कनेक्शन में तीन फेज होते हैं, देखिए एक एक करके। पहला जो फेज होता है वो होता है कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, इसको हम कहते हैं थ्री वे हैंडशेक एल्गोरिथम है। उसके बाद डेटा ट्रांसफर होगा, हर एक डेटा जाएगा उसका एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, डेटा जाएगा एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, उसमें स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज होती है, ज्यादा फ्रेम यानी दोनों जो सर्वर और क्लाइंट है अपने बता देते हैं कि भाई हमारा ये विंडो साइज है, उस विंडो साइज के हिसाब से वो स्लाइडिंग बकेट आगे बढ़ती रहती है, और जहां पर कोई डेटा लॉस नहीं हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है, दोनों के स्लाइड होते रहते हैं, जहां पर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला वहां पर रिट्रांसमिशन हो जाएगा। तो पहला कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट हो गया, डेटा ट्रांसफर ही हो गया, अब होगा कनेक्शन का फिनिशिंग, उसे कहते हैं कनेक्शन टर्मिनेशन। तो ये दोनों समझना जरूरी है, डेटा ट्रांसफर तो बता ही दिया, देखिए पहले क्या होगा, ये इनसे कनेक्शन स्थापित करना चाहिए, वो भेजेंगे आपका एक SYN, यानी कि वो सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं इनसे, तो यहां पर ये सिंक्रोनाइज के लिए एक सीक्वेंस नंबर के साथ भेजेंगे पैकेट। यहां पर ये कहेंगे ठीक है मुझे मिल गया, हमेशा एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर से एक ज्यादा होता है, तो ये एक्नॉलेजमेंट हर चीज की एक्नॉलेजमेंट आती है, ध्यान रखिएगा टीसीपी में, ये एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे ठीक है 8000 है, 8001 हम एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं, लेकिन ये भी जान लीजिए कि जो हमारा ये इन्होंने तो बता दिया कि जो मेरा बाइट स्ट्रीम आएगा उसका पहला नंबर होगा 8000। ये कहते हैं ठीक है आपका हमने एक्नॉलेज कर लिया 8001, अब आप 8001 भेजिए, आपने 8000 भेजना था 8001 भेजिए, लेकिन मेरा जो सीक्वेंस नंबर होगा, मेरे जो बाइट सीक्वेंस नंबर होता क्या है, जैसे मान लीजिए इतना डेटा भेजना है तो इसका ये पहला जो बाइट आएगा ना, बाइट स्ट्रीम होता है टीसीपी, उसका नंबर होता है। तो ये कहते हैं ठीक है आपने तो मुझे 8000 बता दीजिए, आप 8001 भेज दीजिए, अब मेरा 15000 आएगा, ध्यान रहेगा आपको। तो ये कहते हैं ठीक है जी आपने 15000 भेजा, हम एक्नॉलेज कर देते हैं 15001, और सीक्वेंस यही रहेगा, कई किताबों में आप 8001 भी भेजेगा, क्योंकि ये रियूज कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल एक कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट है। अब कनेक्शन स्थापित हो जाएगा, इसके बाद डेटा भेजते रहिए जैसे मैंने बताया आपको। अब कनेक्शन जब बातचीत हो गई तो अब कनेक्शन खत्म होगा, तो कनेक्शन खत्म कैसे होगा, कनेक्शन खत्म होने में ये कहेंगे ठीक है साहब FIN, यहां पर क्या होता है ना, ये जो कंट्रोल फ्लैग्स है इसमें एक FIN फ्लैग भी होता है, इस FIN फ्लैग को ये 0 का 1 करके भेज देंगे, मतलब ये जब हेडर जाएगा इसमें ये 1 होगा, तो इससे ये समझ जाएंगे कि ये कनेक्शन खत्म करना चाहते हैं, स्थापित हुआ। ये इसको एग भेजेंगे, और एग होने के बाद अब ये आगे कुछ नहीं भेज सकते, केवल एक एग भेज सकते हैं और कुछ नहीं भेजेंगे। तो एग ये हर चीज की एग आती है, हर चीज की एक्नॉलेजमेंट आती है, तो ये फिन की एग भेज देंगे, और ये भी कहेंगे ठीक है आप बात नहीं करना चाहते तो हम भी नहीं करना चाहते, तो FIN भेज देंगे। और मैंने कहा हर चीज की एग आती है, इसकी एग जरूर आ जाएगी एक और क्लोज हो जाएगी, ये तो वैसे ही बंद हो चुके हैं, ये अब आगे कुछ नहीं भेजेंगे, ये केवल एक करके फिनिश कर देंगे, उसके बाद एक एक होगा, ये इन दोनों कंबाइन भी कर सकते हैं, तो इसको भी थ्री वे कह सकते हैं। राइट द फीचर्स ऑफ टीसीपी स्लाइडिंग विंडो। देखिए जो टीसीपी स्लाइडिंग विंडो है उसमें होता यह है कि जब सेंडर और रिसीवर आपस में कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं तो ये अपना विंडो साइज भी भेज देते हैं, देखिए साहब मेरा विंडो साइज ये है, आपका विंडो साइज ये है। अब हम मान के चलते हैं कि इनका विंडो साइज 4 है, इनका भी विंडो साइज 4 है। ये विंडो साइज जो होता है वो फ्लो कंट्रोल के लिए होता है, ध्यान रखिए किसके लिए है, फ्लो कंट्रोल के लिए। इसके अलावा ये MSS भी भेजते हैं, ये भी MSS भेजते हैं, वो MSS होता है कि भैया इतने से इससे ज्यादा सेगमेंट मत मुझे भेजना। ये तो आपको विंडो साइज बता रहे हैं, लेकिन ये बताते हैं कि देखो नेटवर्क का भी एक इशू है, इससे ज्यादा मत भेजना एक बार में। अब आप देखिए हो कैसे रहा है, मैं यहां पर इसको करके बताता हूं आपको। यहां देखिए हो क्या रहा है कि ये जो सेंडर है ये अपने विंडो के हिसाब से 4 पैकेट 4 अब टीसीपी सेगमेंट समझ लीजिए वो भेज देता है। अब ये इसको जैसे ही मिल जाएगा इसका एक, देखिए ये जो रेड आ रहा है ना वो एक है, जैसे एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी विंडो आगे बढ़ जाएगी, कहने का मतलब अगर ये पहुंच गया और इसकी एक आ गई तो विंडो इसका बढ़ जाएगा, और अगर कुछ मिस हो जाता है तो विंडो नहीं बढ़ेगी, उसका रिट्रांसमिशन होगा। तो ये जो स्लाइडिंग विंडो है वो इसी तरीके से चल रही है, स्लाइड तभी होगी जब एक आएगा, अदरवाइज इसका रिट्रांसमिशन होगा। तो इसका अब आप समझ गए होंगे इस डायग्राम से कि ये वेरिएबल साइज विंडो टीसीपी स्लाइडिंग विंडो का मतलब यही है कि जैसे ये 4 है इसका विंडो साइज 3 हो सकता है, इसका 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो जो वेरिएबल विंडो साइज ताकि फ्लो कंट्रोल हो सके रिलायबल ट्रांसफर में, क्योंकि टीसीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है और रिलायबल प्रोटोकॉल है। तो टीसीपी क्योंकि फुल डुप्लेक्स हो रहा है तो यहां से डेटा जा रहा है, यहां से एक आ रही है, यहां से डेटा जा रहा है, यहां से एक आ रही है, दोनों तरफ हो रहा है हर डायरेक्शन में। ये अलग अलग स्पीड और साइज ताकि किसी तरीके से लोग अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग वेट जो राउटर है वो अलग अलग स्पीड में कम्युनिकेट कर सके, उसलिए टीसीपी स्लाइडिंग विंडो बहुत काम करता है। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द टीसीपी हेडर? यूडीपी का भी आपसे पूछ सकते हैं, तो यूडीपी का पहले बता देता हूं 8 बाइट का होता है, क्योंकि टीसीपी यूडीपी दोनों बहुत साथ से पूछे जाते हैं। 8 बाइट का फिक्स्ड हेडर होता है, टीसीपी का हेडर फिक्स्ड नहीं होता, लेकिन मिनिमम होगा 20, मैक्सिमम होगा 60। कितना? ये 8 बाइट का होता है, ये है 20 बाइट मिनिमम, मैक्सिमम 60 बाइट, ये ध्यान रखना। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 60 बाइट टीसीपी हेडर, मिनिमम होता 20, इसलिए 20 से 60 हेडर दिया हुआ है। डू पोर्ट एड्रेसेस नीड टू बी यूनिक? व्हाई और व्हाई नॉट? व्हाई आर पोर्ट एड्रेसेस शॉर्टर देन आईपी एड्रेसेस? ये सारे सवाल हम एक साथ जोड़ सकते हैं कि प्लीज टेल अस अबाउट आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस क्या क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको यहां समझाता हूं, आईपी एड्रेस जो होगा वो देखिए कितने ऑक्टेट है इसमें और कितना है ये 8 8 8 8 8 4 32 बिट का है, डॉट सेपरेटेड होते हैं, ये मैक्सिमम जा सकता है 0 से लेकर 255। क्यों? क्योंकि 8 ये कितना है, ये आपका एक ऑक्टेट है 8 का, तो 2 की घात 8 -1 तक जा सकता है, 2 की घात 2 की पावर 8 कितना तो होता है 256 -1, तो 255 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 255। तो इसकी मैक्सिमम कितनी होती है 255 255 255 255, ठीक है जी, क्लियर हो गया। ओके, ये है आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस एक पर्टिकुलर मशीन को आइडेंटिफाई करता है, ये क्लियर हो गया। पर्टिकुलर मशीन का जो मैक एड्रेस है उसको वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। आईपी जो होता है वो बेसिकली नेटवर्क लेयर के लिए होता है, तो ये आईपी एड्रेस से हमको ये पता चलता है। पोर्ट जो होता है वो पोर्ट ये सॉफ्टवेयर मैनेज्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है इसको, और ये पोर्ट जो नंबर होता है ये आपका खास तौर पे जब आप सॉकेट बनाते हैं, जब आप टीसीपी में कनेक्शन में डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं या यूडीपी में करना चाहते हैं, तो आपको पोर्ट नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि टीसीपी यूडीपी या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस का पोर्ट क्या है। ध्यान रहेगा पोर्ट कोई हार्डवेयर नहीं होता, ध्यान रखिएगा ये हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर नंबर पोर्ट नहीं है ये। अब आपको इस तरीके से समझिए, देखिए ये एक होस्ट ए है, ये यहां पर इंटरनेट पे ये होस्ट ए रिक्वेस्ट करता है सर्वर को इंटरनेट पे। अब मान लीजिए आप कोई वेब पेज एक्सेस कर रहे हैं, आप गए क्रोम पे और आपने वेब पेज एक्सेस किया, तो ये जाएगा कहां पर, कहां से लेगा? इस पर्टिकुलर मशीन पे जाएगा। इस मशीन का एक आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस मैंने आपको बता दिया क्या होगा, लेकिन इस मशीन पे तो चला गया, लेकिन इस मशीन पे बहुत सारी सर्विसेज चल रही होंगी और ये सारी सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, मान लीजिए वेब सर्वर है, तो अब इसको वेब पेज से काम है, तो वेब पेज वाली जो सर्विस होगी वहीं तो जाएगा ये, तो वेब पेज की सर्विस कहां चल रही होगी? पोर्ट नंबर 80 पे, तो यहां पर पोर्ट आ गया 80। अगर ये मान लीजिए वेब पेज नहीं कर रहे होते, ये फाइल ट्रांसफर करना चाहते होते, तो आईपी तो वही रहता, ये बताते आईपी है, बेसिकली जो सॉकेट खोलते हैं हम उसमें आईपी होता है, साथ में पोर्ट नंबर होता है, तो आईपी तो यहां पहुंच जाएंगे। पोर्ट नंबर डिसाइड करेगा कि कौन सी सर्विस पे जाना चाहते हैं, कौन सी सर्विस यूज करना चाहते हैं, तो अगर ये फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सर्विस क्या होगी? पोर्ट 21 पे FTP सर्विस, 21 वैसे 2021 होता है, 21 कंट्रोल के लिए होता है, 20 एक्चुअल डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। अगर मान लीजिए ये इससे रिमोट लॉगिन करना चाहते हैं तो आईपी वही रहेगा, ये इसी आईपी पे जाएंगे, लेकिन ये पोर्ट लिखेंगे 23, क्योंकि ये अब रिमोट लॉगिन यानी टेलनेट सर्विस यूज करना चाहते हैं। अब आपको क्लियर हुआ? तो पोर्ट एड्रेस अब एक एक करके समझिए। पोर्ट एड्रेस जो है, मैंने आपको कहा ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, यहां पर प्रोसेस टू प्रोसेस एंड टू एंड डिलीवरी के लिए प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करना पड़ता है। आईएसओ एसआई लेयर में ये फोर्थ लेयर होती है पोर्ट एड्रेसेस। अब उन्होंने कहा कि ये शॉर्टर क्यों होते हैं, पहले तो आप समझ लीजिए कि पोर्ट एड्रेस यूनिक होते ही होते हैं,
लेकिन मैं आपको बताऊंगा कहां यूनिक नहीं होते, कहां पर क्या होता है। जीरो से लेकर देखिए पोर्ट जो है वो आपका जाता है, ये होता है 16, 2 to the power 16, यानी 2 byte का होता है ये पोर्ट जो होगा, पोर्ट एड्रेस 2 byte का होता है, ये 2 byte का होगा केवल। तो 2 byte में कितना हुआ, 2 की पावर 16 माइनस 1, यानी 0 से लेकर 6553, ये जो 2 की पावर 16 होता है 365536, 0 से लेकर कहां तक जाएगा ये 65535 तक जाएगा। तो पोर्ट एड्रेसेस यहां से यहां तक ही हो सकते हैं, लेकिन ये देखिए कितना बड़ा नंबर है। अब आप बोलेंगे ये इसमें 0 से लेकर 1023 तक ये वेल नोन पोर्ट्स है, जैसे 80 इसके बीच में आता है, 21 इसके बीच में आता है, अगर आप HTTPS करते हैं 443 इसके बीच में आएगा, तो ये वेल नोन पोर्ट्स है, इसको आप यूज नहीं कर सकते। इसके बाद भी 45,000 तक वो आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी पोर्ट अपना करना चाहते हैं तो 45,000 से इस नंबर तक 6535 तक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी पोर्ट दे देगा, लीजिए जो भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो वो कोई यूनिक नहीं होगा, वो आपको कोई भी मिल जाएगा, लेकिन पोर्ट एड्रेस यूनिक इसलिए होते हैं, इस यहां के टर्म्स में वो इसलिए होते हैं क्योंकि हर एक पोर्ट की एक यूनिक सर्विस चल रही होती है उस पर। क्लियर हो गया, तो पोर्ट एड्रेस यूनिक, क्या यूनिक का कॉन्सेप्ट समझ गए। अब पोर्ट एड्रेस शॉर्ट क्यों होते हैं, क्योंकि सर्विसेज कितनी, आप गिनती पे लगा लीजिए, HTTP, FTP, टेलनेट, बूट वाला हो गया, एक इको हो गया, ऐसे तमाम मैं तो गिन पा रहा हूं ना। तो पोर्ट एड्रेसेस हमको क्यों चाहिए ज्यादा, 6535 तो बहुत बड़ा नंबर है, और हमें तो केवल यही चाहिए ना भाई, हमको एंड टू एंड डिलीवरी चाहिए मैसेज, और वो जो प्रोटोकॉल जितने हैं वो तो बहुत कम है, ये HTTP प्रोटोकॉल हो गया, FTP प्रोटोकॉल, ये तो कम है, वो हम 0 से 6535 पे कर सकते हैं। तो पोर्ट एड्रेस हमेशा कम होते हैं आईपी एड्रेसेस से। आईपी एड्रेस जो है वो आपको कंप्यूटर या डिवाइस के बारे में बताता है जो नेटवर्क पे कनेक्टेड है, क्योंकि नेटवर्क लेयर जो TCP लेयर जो है वो पोर्ट एड्रेस पे ध्यान दे रही है, नेटवर्क लेयर जो है वो आपको उस मशीन तक पहुंचाएगी, उस मशीन में किस प्रोसेस पे जाना है वो आपको TCP पहुंचाएगी, या कहें ट्रांसपोर्ट लेयर पहुंचाएगी, ठीक है जी। तो पोर्ट एड्रेस प्रोटोकॉल पे ले जाते हैं, और नेटवर्क नेटवर्क पे किस होस्ट पे जाना है वो आपको IP एड्रेस ले जाते हैं। व्हाट आर द रजिस्टर्ड पोर्ट एंड डायनामिक पोर्ट, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये रजिस्टर्ड पोर्ट है और ये डायनामिक पोर्ट है। इनके नंबर कहां से आते हैं कि ये आपके 2 byte के होते हैं, 2 byte मतलब कितना हो गया 16 bit, इसका मतलब कितना हो गया 2 की पावर 16, तो इसकी रेंज क्या हो सकती है 0 से लेकर 2 की पावर 16 माइनस 1, यानी 0 से लेकर 2 की पावर 16 होता है 65536, तो ये हो गया 0 से लेकर 65535, तो आप देखें ये 0 से लेकर 65535 तक जाता है। अब वेल नोन पोर्ट्स बता देता हूं पहले, 0 से लेकर 1023 ये वेल नोन पोर्ट्स होते हैं। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 80 पोर्ट, तो ये आपका HTTP का पोर्ट होगा, ये सारे जो है सॉफ्टवेयर मैनेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा आपको दिए जाते हैं, 80 आपका HTTP हो गया। इसी तरीके से अगर मैं 20 और 21 कहूंगा तो ये FTP के पास है, ये FTP के लिए यही पोर्ट है। ऐसी अगर आप 443 कहूंगा तो ये आपका HTTPS, तो ये सारे वेल नोन पोर्ट है। अब बात आती है रजिस्टर्ड पोर्ट की, यहां से लेकर 1024 से लेकर यहां तक, इस जगह तक, तो 1024 से लेकर 49159 ये आपके किसी को असाइन नहीं है, और ये कंट्रोल किए जाते हैं। एक आपको एग्जांपल, इसका IANA का नाम चेंज हो गया है, पहले का नाम ये IANA था, इसको ये क्यों कंट्रोल करते हैं अभी इसका नाम बताऊंगा मैं, क्यों, क्योंकि इसका डुप्लीकेशन ना हो जाए, कि एक कोई इसको यूज कर रहा है मान लीजिए 1096 को, दूसरा भी 1096 को यूज कर रहा है, तो आपको जाके रजिस्टर कराना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। जो डायनेमिक पोर्ट है यहां से यहां तक, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप देखेंगे आप भी जब भी किसी पोर्ट पे बात कर रहे होते हैं, अगर ये नहीं है, या आप जैसे अपना सिस्टम अप करते हैं और पोर्ट नंबर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको यहां से यहां तक कोई भी नंबर मिल जाएगा, मतलब 49152 से लेकर 65535 तक। अब थोड़ा सा इसको और क्लियर करता हूं, देखिए ये जो रजिस्टर्ड पोर्ट है वो पोर्ट नंबर है
जो कंपनी और बाकी के यूजर जाके रजिस्टर कराते हैं कहां से, ICANN यानी कि इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ताकि वो एप्लीकेशन, उनकी अपनी एप्लीकेशन है उसके लिए वो यूज कर सके और वो कम्युनिकेट कर सके TCP और UDP का इस्तेमाल करके। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, पोर्ट्स का मतलब क्या है, पोर्ट्स कहाँ आता है, पोर्ट्स आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, क्योंकि वो बात करता है एंड टू एंड डिलीवरी की, वहां पर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो UDP और TCP के कम्युनिकेशन के लिए नंबर मांग लेता है ICANN से। तो फिर से समझिए कि ये तो हो गया आपका पोर्ट नंबर, अब डायनेमिक पोर्ट पे आ जाइए, इसको हम प्राइवेट पोर्ट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइवेट पोर्ट। अब ये वाले पोर्ट हैं जो आपको असाइन होते हैं, मतलब जैसे ही वन दैट इज असाइन टू प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, या सर्विस, जब भी आपको जरूरत होगी एक इनमें से पोर्ट उठा के आपको मिल जाएगा। जब भी कोई प्रोसेस या सर्विस आप स्टार्ट करेंगे तो वही आपको मिल जाएगा। What is importance of TTL field? अब आप देखिए यहां पर एक TTL field है, ठीक है जी। अब मैं IP की बात कर रहा हूं, ये IP का आप header देख रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले का, तो यहां पर आप TTL देखते हैं। ये मैं नेटवर्क लेयर के बारे में बात कर रहा हूं। जो लाइफ स्पैन है या लाइफ टाइम है, इसी को हम TTL कहते हैं, टाइम टू लिव। क्या हुआ ये? टाइम टू लिव। अब एक बार आपने जब भेज दिया पैकेट तो TTL field ये एक्टिवेट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि एक बार कि वो कितना टाइम TTL चाहिए जिससे पहले जो पैकेट है वो डिस्कार्ड हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, मतलब कितने हॉप तक वो पैकेट घूमता रहेगा उसके बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि मान लीजिए एक पैकेट अनडिलीवर्ड रहा या किसी ने ड्रॉप कर दिया, वो पैकेट तो घूमता ही रहेगा। जो अनडिलीवर्ड पैकेट है वो तो नेटवर्क पे घूमता ही रहेगा। इसका मतलब क्या होगा? यहां पर एक बड़ा अच्छा नाम दिया है, उसको हम कहते हैं इमॉर्टल्स। ये जो है इमॉर्टल, जो कभी मरेंगे ही नहीं, तो इनको मारना पड़ेगा, इन पैकेट्स को। तो जो सोल TTL का काम है कि अगर अनडिलीवर्ड डेटाग्राम है वो घूम रहा है इंटरनेट सिस्टम में, उसको खत्म करना है, वरना ये इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि अल्टीमेटली आपके नेटवर्क को दबा देंगे या फिर एक तरीके से पूरी तरह कंजेस्ट कर देंगे। तो TTL जिसको मैं टाइम टू लिव बता रहा हूं आपको, ये IP पैकेट के बारे में बात कर रहा हूं, ये मैक्सिमम IP राउटर्स तक हॉप, मैक्सिमम हॉप बताता है कि कितने हॉप ये करेगा उससे पहले, जिससे पहले ये, जिसके बाद ये डिस्कार्ड हो जाएगा। व्हाट आर ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल एंड क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स? देखिए, आग लगने से पहले आग ना लगे उसकी तैयारी की जाए, या आग लग जाए तो उसको बुझाया जाए, यही अंतर है इसमें। ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल पॉलिसीज ये होती है कि कंजेशन होने से पहले ही उसको रोक लिया जाए। ये सोर्स या डेस्टिनेशन कंजेशन कंट्रोल करेगा, तभी रुक सकता है, वरना एक बार आप नेटवर्क में आ गए तब तो आपको फिर कंजेशन को रोकने की, मतलब कंजेशन हो गया उसको फिर मिटिगेट करने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो होता है क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल से। वो ऐसी, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम एक बार जब कंजेशन हो जाता है तब उसको कम करने की या खत्म करने की कोशिश करते हैं। कंजेशन कंट्रोल में ओपन लूप के क्या क्या तरीके हैं? रीट्रांसमिशन, विंडो, एक्नॉलेजमेंट, डिस्कार्ड और एडमिशन, ये तीनों आप जरूर TCP में जरूर देखते होंगे। क्लोज लूप का मतलब है बैक प्रेशर, चोक पैकेट, इम्प्लिसिट सिग्नलिंग और एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग। विच फील्ड्स ऑफ द IPv4 हेडर चेंज फ्रॉम राउटर टू राउटर? एक राउटर से दूसरे राउटर पे कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो चेंज हो जाएंगी? तो इसमें दो वैल्यूज है, कौन कौन सी है? एक तो ये आपका टोटल लेंथ फील्ड और एक आपका जो चेकसम है, हेडर का जो चेकसम है, ये दोनों आपकी हर राउटर में जाके चेंज हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो TCP के जो चेकसम बनाते हैं ना, उसमें वही फील्ड लेते हैं जो चेंज नहीं होती, उसी को जोड़ते हैं, बनाते हैं उसको। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चेकसम इन IPv6 हेडर। IPv6 के हेडर में चेकसम नहीं है। उससे पहले मैं जरा आपको IPv4 और IPv6 के बारे में बता देता हूं। IPv4 यह है 1981 में डिप्लॉय हुआ था
IPv6 1998 में, है ना। ये है 32 बिट का। अब देखिए ये 32 कैसे हो गया, ये आपके 8 8 8 और 8 ये डॉट सेपरेटेड है, इसको कहते हैं न्यूमेरिक डॉट डेसिमल नोटेशन। तो 8 4 32, इसलिए 32 बिट है। ये कितना है यहां पर, यहां से अगर गिनेंगे पूरे तो आपको 128 बिट आएगा, मतलब 32 32 32 32 128 बिट का आईपी एड्रेस है। तो अगर आप ये 32 बिट ले ले तो आप इसके निकाल सकते हैं कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 32 माइनस वन, इतने मैक्सिमम आपके जो एड्रेसेस आप कर सकते हैं इसमें। और यहां पर 128 तो 2 की पावर 128 माइनस 1, ये नंबर आप देख रहे हैं बहुत बड़ा नंबर है, 7.9 × 10^28, ये है 4.3 बिलियन। और IPv4 DHCP या मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, ये IPv6 आपका ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी सपोर्ट करता है। अब हम लौटते हैं अपने सवाल पे, IPv6 IPv4 में तो चेकसम था, IPv6 में क्यों नहीं है। उसका कारण ये है कि जो चेकसम है वो अपर लेयर ऊपर के लेयर्स अपने आप दे रही हैं, मतलब ऊपर के लेयर में आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे अगर खुद करना चाह रहे हैं आप, तो इस लेवल पे इसकी जरूरत ही नहीं है। तो UDP चेकसम का मैं अगर मैं बारे में बात करूं, जो IPv4 में ऑप्शनल था वो IPv6 में मैंडेटरी हो गया। UDP कहां आता है, UDP और जो TCP है, देखिए TCP में तो चेकसम मैंडेटरी था ही था, UDP में ऑप्शनल था, लेकिन ये दोनों जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। तो मैंने बताया आपको कि हम यहां आईपी की जब बात करते हैं तो हम लेयर 3 पे हैं, और हम जब यहां की बात करते हैं तो हम लेयर 4 पे चलेंगे, या ये कहेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इनके इसके लिए बाध्यता कर दी गई, जो बाध्यता कर दी गई तो ये लोग खुद चेक करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर दोबारा चेक करना तो रिडंडेंसी हो जाएगी ना, लेयर 3 पे यानी नेटवर्क लेयर पे चेक करना कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसको हटा दिया। राइट डाउन दी नेम ऑफ 3 स्ट्रेटेजीज यूज टू हैंडल द ट्रांसमिशन फ्रॉम IPv4 टू IPv6। अब IPv4 32 बिट का है, IPv6 जो है 128 बिट का है। अब इसके बहुत ज्यादा यूजर्स हो सकते हैं, इसके कम यूजर, मतलब कम तो नहीं कहूंगा, अभी भी ये भरा नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन ये आगे को सोचते हुए कहा गया कि एक घर में एक मोबाइल है, एक कंप्यूटर है, एक टैबलेट है, इस तरीके से हर घर में इतने सारे सिस्टम आ जाएंगे तो आईपी कम ना पड़ जाए, उसके लिए IPv6 आ गया। चलिए साहब अब ये समझ लीजिए कि हम जब IPv4 से IPv6 में जाएंगे तो इतना आसान तो है नहीं, सब कुछ IPv4 पे चल रहा है, आज भी हम IPv4 पे ही काम कर रहे हैं। तो क्योंकि जो सिस्टम्स बहुत ज्यादा हैं आपके इंटरनेट पे, तो इसीलिए IPv4 से IPv6 में जाना इतना आसान नहीं है, 4 सिस्टम होते तो कर देते, यहां तो बिलियंस की बात हो रही है। और यहां से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे IPv4 से IPv6 जाने में टाइम लगेगा, ट्रांजिशन इतना स्मूथ नहीं हो। अगर आप स्मूथ करना है तो आप, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी, तो जो ट्रांजिशन को स्मूथ करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है, एक है डुअल स्टैक, एक है टनलिंग और एक है हेडर ट्रांसलेशन। अब आप देखिए क्या क्या होता है। डुअल स्टैक का मतलब ये होता है कि एक डिवाइस में आपका IPv4 भी चल रहा है, आपका IPv6 भी चल रहा है। टनलिंग का मतलब यह है कि आप ट्रांसपोर्टिंग IPv4 थ्रू IPv6 थ्रू IPv4, मतलब IPv4 से आप IPv6 को गुजार दीजिए ट्रांसपेरेंटली, तो भी IPv4 का, तो भी दोनों का काम चल जाएगा। ट्रांसलेशन का मतलब यह है कि पहले IPv6 को आप IPv4 में चेंज करिए तब ट्रांसपोर्ट करिए। वॉट इज टनलिंग, अब देखिए साहब ये एक तरीके का नेटवर्क है, इथरनेट है, यहां पर दूसरा नेटवर्क है, ये भी इथरनेट है, अब बीच में एक दूसरा नेटवर्क है जो वैन है मान लीजिए। अब इसका पैकेट अलग है, इसका पैकेट अलग है, ये इथरनेट फ्रेम है, ये इथरनेट फ्रेम है, यहां पर आपका IP पैकेट है जो पेलोड की तरह है ना, इनसाइड द पेलोड फील्ड ऑफ वैन पैकेट, इसका ये हेडर है। अब ये तो ये यहां का जो पैकेट है, यहां जो पैकेट है ये तो मिसमैच होगा, तो यहां पर हम यूज करते हैं टनलिंग करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, इस आईपी को इसके अंदर बिठा देंगे और फिर इसको भेज देंगे, फिर वहां जाके इसको यहां से निकाल लेंगे, यही है। तो इंटरनेटवर्किंग की एक टेक्निक
जिसे टनलिंग कहते हैं, जब सोर्स और डेस्टिनेशन सेम टाइप के हैं, बिल्कुल सेम टाइप के हैं, लेकिन उनको पास होना है एक दूसरे नेटवर्क से, ये जो नेटवर्क है ये थोड़ा अलग है, तो इसमें हम करते क्या है, एक पैकेट को दूसरे पैकेट में भेजना है। हम क्या करेंगे, यहां से पैकेट लेंगे, जैसे आईपी पैकेट है, उसको हम इनकैप्सुलेट कर लेंगे, यानी कि अपना हेडर लगा के इस नेटवर्क के इस आईपी को पेलोड में डाल देंगे। फिर जब यहां पर ये जाएगा तो इस आईपी को निकाल लेंगे। ये तरीका है, टनलिंग इसे कहते हैं। व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन? फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे भाग में डिवाइड करना। अब मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। वो फ्रैगमेंट खास तौर पे जब हम नेटवर्क लेयर के बारे में बात करते हैं तो ये नेटवर्क लेयर का मेन, या कहें वन ऑफ द मेन फंक्शन है, एक बहुत बड़ा काम है। इसमें क्या होता है कि जो नेटवर्क लेयर है, खासतौर पर जो गेटवेज होते हैं, वो बड़े पैकेट को छोटे छोटे भाग में, चंक में डिवाइड कर देते हैं। इन्हीं को हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैगमेंट्स। फिर इस जो एक एक जो फ्रैगमेंट है, इसको हम इंटरनल पैकेट की तरह हम भेजते हैं। हर एक पैकेट का अपना एक हेडर होगा और अपना एक ट्रेलर होगा। होता यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे नेटवर्क में ये जा रहा है, मान लीजिए ये है, ऐसे नेटवर्क में गया, जब इसका भी साइज जो है वो बोलते हैं कि नहीं यार ये अभी भी ज्यादा हो रहा है, तो भी इसको फिर तोड़ दिया जाएगा, इसको फिर छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा। ऐसा तो इसका मतलब डेटाग्राम को आप अलग अलग उस भाग में डिवाइड कर सकते हैं, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। हो सकता है यहां पर इतना हो, यहां इतना हो जाए, और यहां जाके आपको इतने मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन रीअसेंबली जो होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है, रिवर्स प्रोसेस इसका, क्योंकि इन सबको कंबाइन भी करना होता है। अब इसको एग्जांपल से समझिए, यहां पर आपका गेटवे है, पैकेट है। अब यहां पर आपने फ्रैगमेंट बना दिया, अब यहां से ये गया, अब जो फ्रैगमेंट को रीअसेंबल किया गया गेटवे दो द्वारा, यहां पैकेट बन गया, फिर ये गया गेटवे थ्री पे, फिर इसको यहां हो सकता है इसके एक पैकेट के आपके छह भाग बने, यहां के तीन भाग बने, फिर ये रीअसेंबली होगी और फिर ये फाइनल पहुंचेगा। इसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। कहने का मतलब यह है, फिर से आपको समझा देता हूं थोड़ा सा क्लियर हो जाए मामला। इसमें यह है कि नेटवर्क लेयर करता है जब आपका जो मैक्सिमम साइज है डेटाग्राम का, वो जो फ्रेम का साइज है उससे ज्यादा होता है, यानी कि हम जिसे कहते हैं ना MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट से ज्यादा होता है, तो नेटवर्क इसे डिवाइड कर देगा। जैसे ये ट्रांसपोर्ट लेयर से ये मिला आपका TCP सेगमेंट या जैसे भी जो भी आपका डेटाग्राम कह लीजिए, उसको डिवाइड कर देगा ताकि ये आराम से पहुंच जाए, डेटा फ्लो को डिस्टर्ब ना हो। सेवन लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल। तो ISO OSI मॉडल इसकी सात लेयर है, और जो दूसरा काउंटर पार्ट है यानी कि TCP/IP मॉडल, पहले उसकी चार लेयर्स थी, फिर अपडेट किया गया, अब पांच लेयर्स है। तो आप ये देखेंगे कि एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं APST NDP, कैसे याद करेंगे APST NDP। अब हम बात करते हैं सबसे ऊपर की लेयर की। ध्यान रखिएगा ये जो लेयर्स हैं ये लॉजिकल है, ऐसा कोई लेयर नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है कि वाकई में कुछ इस तरीके से लेयर बनी हो, बस ये है कि इसको इस तरीके से बना दिया गया है कि जो जो प्रोटोकॉल इसके अंदर काम कर रहे हैं या जो जो प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का काम कर रहे हैं, हर जगह अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं इम्प्लीमेंट करता हूं, तो वही प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट हो, उसी तरीके से काम हो, ताकि पूरे विश्व में एक तरीके से हर आदमी हर नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर सके। तो सबसे पहली लेयर जो होती है ये ऐसी लेयर है जिससे आप और मैं इंटरेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं एंड यूजर लेयर। अगर आप अपने कंप्यूटर पे, अपने PC पे वेब ब्राउजर खोलते हैं और वहां से कोई वेब पेज एक्सेस करते हैं, तो आप एंड यूजर लेयर पे हैं, एप्लीकेशन लेयर पे हैं, वहां से आप HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप FileZilla के थ्रू फाइल भेज रहे हैं तो आप FTP का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से IRC है, SSH है। अगर आप एप्लीकेशन लेयर पे हैं तो DNS का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि
जब आप डालते हैं www.google.com, अब www.google.com ये किसी को नहीं पता है, क्यों? क्योंकि आपका कंप्यूटर में जैसे ही आप ये एंटर करेंगे, कंप्यूटर तो बाइनरी जानता है, बिट्स बाइट्स जानता है, तो DNS काम करता है, ये डोमेन नेम सिस्टम होता है, ये www.google.com का IP निकाल के लाएगा, तब आपको कनेक्ट करेगा। उसके बाद जो लेयर आती है, यानी कि आपका, आपने यहां से काम शुरू किया, अब आपका काम जो भी आपने किया बिट बाइट स्ट्रीम, वो गई प्रेजेंटेशन लेयर पे। यहां पर अभी प्रेजेंटेशन लेयर सिंटेक्स लेयर का काम करता है, SSL, SSH, IMAP, FTP, MPEG, JPEG, ये तो आप खैर जानते ही होंगे, ये इसकी इमेजेस देखी होगी आपने, इसकी आपने वीडियोस देखे होंगे इस फॉर्मेट के, ये सारा प्रेजेंटेशन लेयर का है काम। उसके बाद सेशन लेयर आती है, यहां पर सिंक्रोनाइजेशन का काम होता है और पोर्ट पे भेजा जाता है, क्योंकि पोर्ट से नेक्स्ट लेयर काम करेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का सारा काम जो होगा वो पोर्ट से शुरू होता है। तो सेशन मतलब है APIs, सॉकेट्स, विनसॉक, ये सेशन लेयर पे काम करते हैं। अब आप आइए ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ये मान लीजिए आपका कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है, यहां से आपका जैसे आपने वेब पेज खोला हुआ है, तो ये एक प्रोसेस है, ये वेब पेज या ये जो सर्विस है, जब आप इससे कनेक्ट करना चाहेंगे, वेब पेज किसी न किसी सर्वर पे जाएगा या सर्वर से आएगा, ये 80 पोर्ट है जिससे आप इसको मांगेंगे, तो आप IP देंगे, साथ में आप पोर्ट नंबर देंगे, तो UDP और TCP, ये आपका जो कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन लेस अनरिलायबल कनेक्शन होता है। ऑडियो वीडियो अगर आपको करना है तो उसके लिए UDP यूज करते हैं, अगर आपको मेल ट्रांसफर करना है, जैसे मेल आपको भेजना है, या फिर आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं, FTP करना चाहते हैं, तो TCP का उपयोग करेंगे। एंड टू एंड कनेक्शन के लिए है कि कंप्यूटर से कंप्यूटर तो ठीक है, लेकिन यहां से आपके जो वेब पेज से इस पोर्ट तक पहुंचाने का काम, इस पोर्ट तक, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। इसके बाद यहां से जो टेक ओवर करेगा वो नेटवर्क लेयर करेगा। तो अब नेटवर्क लेयर आ गया, नेटवर्क लेयर क्या करेगा, इससे ट्रांसपोर्ट लेयर से लेगा, मान लीजिए TCP सेगमेंट या UDP डेटाग्राम, उसको वो पैकेट में परिवर्तित करेगा, मतलब IP पैकेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल वाला पैकेट, और इसमें बहुत सारे अलग अलग और भी आपके प्रोटोकॉल है, जैसे मैं ICMP के बारे में बता देता हूं। अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसकी जानकारी, नेटवर्क के हेल्थ की जानकारी ICMP देता है, ये इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है। तो यहां पर यह हो गया आपका। अब इसके बाद क्या हुआ, पैकेट बन के ये चला गया, पैकेट का मतलब यह है कि अब यह राउटर टू राउटर जाएगा। उसके बाद बात आती है डेटा लिंक लेयर की, ये कन्वर्ट करता है इन पैकेट को फ्रेम्स में, क्योंकि अब हमें एक्चुअल लेयर पे भेजना है इसको, मतलब एक्चुअल वायर पे भेजना है, तो यहां पर अब इसको पैकेट को फ्रेम में परिवर्तित किया जाएगा। ईथरनेट, PPP, स्विच ब्रिज, ये जो है डिवाइसेस है, हार्डवेयर डिवाइसेस है, ये काम करते हैं डेटा लिंक लेयर पे। उसके बाद आपका आया फिजिकल लेयर, ये एक्चुअल लेयर है, यहां पर कोएक्सियल केबल, फाइबर, वायरलेस हब्स, रिपीटर्स, ये सब फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, ये एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। तो जब आप काम करना शुरू करते हैं अपने PC पे, वहां से यहां से पूरा आपका जो कंटेंट है वो यहां से परिवर्तित होते हुए फिजिकल लेयर पे जाता है, और फिर दूसरे एंड पे वो यहां से चढ़ता है, और फिर दूसरे पार्टी के पास यहां पहुंचता है। ये तरीका है इसका। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन TCP/IP? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें ये एक बेसिकली देखिए, इसके साथ जो लेयर है, जो इसके पहले थी, वो ISO/OSI लेयर है, यह है इंटरनेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, और यह है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म ये है। अब इसमें थी 7 लेयर। अब देखिए 7 लेयर में जो पहली लेयर थी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, इन तीनों को TCP/IP में कंबाइन कर दिया गया। TCP/IP जो इस लेयर का नाम है, या इस इन लेयर स्कीम का नाम है, वो केवल इसीलिए फेमस हो गया क्योंकि पूरे पूरे इंटरनेट में सबसे ज्यादा जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा था वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सबसे फेमस प्रोटोकॉल थे, तो इसीलिए इसका नाम जो बन गया वो TCP/IP लेयरिंग स्कीम बन गई। ओके, ISO/OSI 7 लेयर, TCP/IP अपडेटेड जो है वो 5 लेयर का है, वरना जो पहले TCP/IP प्रपोज किया गया था उसमें डेटा लिंक और फिजिकल को भी कंबाइन कर दिया गया था। अब मैं आपको TCP/IP लेयर के एक एक लेयर के बारे में बता रहा हूं। लेयर स्कीम कुछ नहीं होती है, ये केवल लॉजिकल स्कीम है,
और आपको ये इसलिए बताया जाता है कि आप यहां है, मैं नैरोबी में हूं, कीनिया में, हम दोनों एक ही प्रोटोकॉल पे काम करेंगे। प्रोटोकॉल नियम कानून कायदे हैं, उन कायदों के हिसाब से हम चीजें बनाएंगे। यानी अगर हमने कोई चीज बनाई है तो पैकेट का हेडर हमें पता है, आपको भी पैकेट का हेडर पता है, टीसीपी सेगमेंट टीसीपी का हेडर मुझे भी पता है, आपको भी पता है, टीसीपी में चेकसम कैसे डाला जाएगा आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये नियम कानून बनाए गए हैं, इन नियम कानून को हम फॉलो करेंगे तभी हम कम्युनिकेशन सही तरीके से पूरे विश्व में आराम से हो पाएगा। इसीलिए स्टैक बनाए, इसको हम स्टैक भी बोलते हैं, लेयर स्टैक, तो कभी कभी स्टैक भी बोल दिया जाता है जब आप बहुत एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, तो फिर लेयर के बारे में बात करते हैं, आप बोलते हैं लेयर 3, लेयर 2 ऐसे। तो अभी तो आप खैर इस तरीके से याद कर रहे हैं, आगे चल के आप लेयर 4 बोलेंगे, तो आपको समझना चाहिए लेयर 4 मतलब आप ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। इसको याद कैसे करेंगे, ATNDP, और अगर आप इसको याद करना चाहते हैं ISO/OSI को, तो APST NDP, ये कितना किया, क्या हो गया, ATNDP। चलिए एप्लीकेशन लेयर से शुरू करते हैं। एप्लीकेशन लेयर मतलब यहां पर आप बैठे हुए हैं, आप अपने कंप्यूटर के सामने है साहब, ये आपका कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर के सामने आप बैठे हुए हैं, आप यहां पर क्लिक कर रहे हैं और यहां पर वेब पेज एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वेब ब्राउजर एक्सेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपने क्रोम खुला हुआ है, वहां पर आप कुछ कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं। अब जो एप्लीकेशन लेयर है वहां पर आपका एक्चुअल सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन काम करता है, क्योंकि वहीं से तो आप अपना कम्युनिकेशन शुरू करेंगे, अपनी बातचीत, अपना कोई भी कम्युनिकेशन नेटवर्क पे करना है तो मोबाइल से शुरू करेंगे, या आपके टैबलेट से शुरू करेंगे, या कंप्यूटर से शुरू करेंगे, या किसी डिवाइस से, डिजिटल डिवाइस से शुरू करेंगे। तो वहां से जहां पर जो एप्लीकेशन आपका चल रहा होगा, सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, या इवन हार्डवेयर भी चल रहा होगा, वो सारा कम्युनिकेशन शुरू करेगा, जैसे कि वेब ब्राउजर, ये काम करता है एप्लीकेशन लेयर। अगली लेयर जो आती है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर, बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि ये आपको एंड टू एंड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए, एंड टू एंड। अब देखिए जैसे ही आपने यहां से काम शुरू किया, अब जैसे ही काम शुरू किया, ये जो डेटा आपने भेजना शुरू किया, ये कहां से, वेब पेज कहां से मांगा आपने, ये किसी सर्वर से मांगा होगा आपने, ये जो सर्वर है यहां तक कैसे पहुंचेगा, तो इस सर्वर की आईपी और पोर्ट एड्रेस, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 से लेकर 1023 ये पोर्ट एड्रेसेस बिल्कुल फिक्स्ड है। जैसे अगर आप वेब पेज के लिए या वेब एक्सेस करना चाहते हैं, या इसको मैं HTTPS कहूंगा, तो HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, तो आप 80 पोर्ट या फिर 443 HTTPS के लिए है, 80 HTTP के लिए है। तो जैसे ही आप ये शुरू करेंगे, तो जो पोर्ट आ गया ना, तो IP और पोर्ट यहां पर बात शुरू हो गई है कनेक्शन की। तो TCP और UDP, TCP रिलायबल कनेक्शन है, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में केवल यही दो प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर में इससे बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल है, लेकिन ये मेन प्रोटोकॉल है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ही ये है कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, एंड टू एंड डिलीवरी। तो TCP आपका ये रिलायबल कनेक्शन है, और कनेक्शन ओरिएंटेड है। UDP कनेक्शन लेस है, अनरिलायबल है। अनरिलायबल का मतलब ये मत समझिए कि ये बेकार है, UDP सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, जो वॉइस कॉल आप करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं वो सब इसी से हो रहा है। तो अगर एप्लीकेशन लेयर से जो भी चीज मिली, ट्रांसपोर्ट लेयर इसको TCP सेगमेंट में बना लेगा, जो भी कंटेंट आए यहां से, तो इसको बिट, यहां से तो बिट स्ट्रीम आती जा रही है, बाइट बाइट बिट बाइट आते चले जा रहे हैं, उनको TCP सेगमेंट में या UDP सेगमेंट में बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, TCP UDP। चलिए TCP सेगमेंट बन गया, अब UDP सेगमेंट बन गया मान लीजिए, अब वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा नेटवर्क लेयर पे। यहां पर आप आ चुके हैं, अब यहां पर बनेंगे आपके IP पैकेट्स। क्या बनेंगे, IP पैकेट्स, यहां पर हम पैकेट कहते हैं, यहां पर सेगमेंट कहते हैं। तो जहां ये नेटवर्क लेयर का काम ये है कि वो डेटा पैकेट बनाएगा और इसमें एक लॉजिकल एड्रेस डालेगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं कहूं कि 162.192.6.1, ये क्या है, ये एक आईपी एड्रेस है, ये एक लॉजिकल आईपी एड्रेस है, ये आपके कंप्यूटर को पूरे ब्रह्मांड में यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। ओके, फिर इसका काम जो है नेटवर्क लेयर का, वो है राउटिंग। राउटिंग का काम ये मतलब ये है कि आपके सोर्स से, आपने जहां से शुरू किया, वहां से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम किसका है, नेटवर्क लेयर का है। आईपी से मैंने कहा ना कि जैसे आपका एक आईपी होगा इस तरीके का, तो आपके जो डेस्टिनेशन है उसका भी आईपी होगा, वहां से ये भेजेगा। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या है, राउटिंग। अब राउटिंग क्या होगा, मतलब किस
राउटर पे जाना है पहले और कौन सा पाथ चूज करना है, ये करना है, ये करना है, ये काम नेटवर्क लेयर का है। अब चलिए साहब पैकेट बन गए, नेटवर्क लेयर ने उसको भेज दिया नेटवर्क पे। अब डेटा लिंक लेयर का काम आ गया। डेटा लिंक लेयर जो है वो काम क्या करती है, यहां पर आईपी पैकेट बन गए, इस आईपी पैकेट को फ्रेम में चेंज करती है। इफ ए जो आईपी पैकेट है ना, इनको असली फिजिकल लेयर में भेजना है तो ये आईपी पैकेट नहीं भेज पाएंगे, इसको फ्रेम में तब्दील करना पड़ेगा। तो क्या होता है, डेटा लिंक लेयर अपना हेडर इसमें डालती है, हर एक लेयर अपना अपना हेडर डाल रही है, ध्यान रखिएगा। और ये सब इनकैप्सुलेट हो रहे हैं, मतलब ये जो बना वो इसके अंदर आ जाएगा, ये जो बना ये इसके अंदर आ जाएगा, तो फ्रेम बनेगा, मतलब जो आईपी पैकेट है उसको डिवाइड किया जाएगा, अपने हेडर और ट्रेलर डेटा लिंक लेयर जोड़ेगा। और इसका मेन काम जो है, यहां पर ये लॉजिकल एड्रेस था, अब यहां पर ये फिजिकल एड्रेस की बात करेगा, एक्चुअल एड्रेस। हर कंप्यूटर का एक लॉजिकल एड्रेस होता है यूनिक, इसी तरीके से हर एक कंप्यूटर का जो एनआईसी कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसका एक मैक एड्रेस होता है, मीडियम एक्सेस कार्ड जो लेयर है, जो हम पहले बात किया करते थे यहां पर, तो मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस एनआईसी का स्पेसिफिक होगा, वो मल्टीप्लीकेट नहीं हो सकता, तो एक ही होगा। इसी से आपको एग्जैक्ट सोर्स और लोकेशन डेस्टिनेशन का पता चलता है। अब आ गया फिजिकल लेयर पे, एक्चुअल वायर आपके, आप हायर, आपके पास जो भी वायर सामने दिख रही हो, आपके सामने जो भी वाईफाई चल रहा हो, वो एक्चुअल फिजिकल लेयर है। तो अब यहां पर ये जो आपका फ्रेम हो गया, ये जाता है, अब ये बनता है बिट्स में, ये जो फ्रेम है ये बिट्स में एक एक करके जाता है, और अब एक्चुअल कम्युनिकेशन हो रहा है, एक्चुअल बिट ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो डिवाइस हो, वायर्ड हो, वायरलेस हो। तो फिजिकल लेयर का काम अब शुरू हुआ। तो अब फिजिकल लेयर किससे मीट करेगी, जाके दूसरे डिवाइस के फिजिकल लेयर से। फिर फिजिकल लेयर पे मान लीजिए आप, ये आपका दूसरा डिवाइस है, यहां से आपने भेज दिया, दूसरा डिवाइस इसे ही मान लेते हैं, अब वो बिट को फिर फ्रेम में बदला जाएगा। फ्रेम मतलब अब यहां हेडर जोड़ने का काम हुआ, यहां हेडर छाटने का काम होगा। अब यहां पर हेडर छाटा जाएगा, इसका हेडर छाटा जाएगा, इसका हेडर छाटा जाएगा, और एक्चुअल प्रोसेस में, एक्चुअल प्रोसेस में जाके इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो इस तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बात होती है। व्हाट इज आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस देखिए, आप यहां पर देख भी रहे हैं चित्र में, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं बात कर रहा हूं IPv4 की। अभी क्योंकि 1998 में IPv6 आ चुका है, तो इसीलिए मैं IPv6 भी बताऊंगा आपको। पहले आप समझ लीजिए, IPv4 जो है वो 32 बिट का इंटरनेट एड्रेस होता है, जो आपका कोई भी होस्ट हो, होस्ट मतलब होता है आपका घर का कंप्यूटर जिसके सामने आप बैठ के देख रहे हैं। दूसरा होता है कि जब आप अपना कम्युनिकेशन शुरू करते हैं तो दुनिया में सैकड़ों राउटर हैं। राउटर का काम क्या होता है कि आपके पैकेट को सही जगह राउट करना या उसको रास्ता दिखाना। ओके, तो ये आपको यूनिकली 32 एड्रेस आपके सिस्टम को यूनिकली पहचानता है, आप यही काम है इसका। तो इसमें देखिएगा कि जो पोर्शन, ये पहले बता दूं ये कैसे 32 है, ये 8 बिट है, डॉट 8 बिट, डॉट 8 बिट, डॉट 8 बिट, कितने हो गए, 8 4 32 बिट हो गए, ठीक है जी। इसी तरीके से IPv6 जो होता है वो 128 बिट का होता है, ध्यान रखिएगा, ये 128 बिट का IPv6 का पैकेट जो एड्रेस होता है वो ये होता है। इसका एड्रेस जो होता है वो 8 4 32 आपके बिट हो गया इसमें। तो यहां पर कितना हो गया आपके, ये 8 8, और इसके ना अलग अलग एड्रेस वो होती है, क्लासेस होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ऐसे क्लासेस होती हैं, और सबके जो एड्रेसेस है वो बिल्कुल पिक्यूलर डिफाइन है, जो इनका शुरुआती है ना नंबर, इससे पता चल जाता है कि ये कौन से क्लास का एड्रेस है। खैर, हम ये बात कर रहे थे कि यहां से लेकर यहां तक ये तो आपको नेटवर्क एड्रेस बताता है, और ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं, ये हो गया नेटवर्क, नेटवर्क एड्रेस, इसको हम कहते हैं होस्ट एड्रेस, ठीक है जी। मतलब जो पोर्शन, इस पूरे पोर्शन का जो होस्ट या राउटर को बताता है, आपका कंप्यूटर होगा या राउटर होगा, इन दोनों को जो बताएगा उसको हम कहेंगे ये आईपी एड्रेस, ठीक है जी। और इसके बाद ये जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे होस्ट आईडी। तो ये हो गया आपका नेट आईडी, ये हो गया आपका होस्ट आईडी, ये नेट आईडी, ये होस्ट आईडी, ध्यान रहेगा। ओके, आईपी एड्रेस फिर से बता देता हूं, ये आपका कनेक्शन एक नेटवर्क से, कौन सा आपका डिवाइस किस नेटवर्क में है और कौन से नेटवर्क में आपका कौन सा डिवाइस है, ये आईपी एड्रेस आपको बताएगा। एक चीज और बता देता हूं इसको, देखिए एक आईपी एड्रेस,
इस आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये नंबर्स हैं जो किसी भी नेटवर्क में, आपका डिवाइस कौन सा है, पहले तो ये नेटवर्क पे आएगा, यहां से यहां तक नेटवर्क पता चलेगा, और उसके बाद इससे पता चलेगा कि आपका आपका होस्ट कौन सा, मतलब आपका कंप्यूटर कौन सा है या आपका डिवाइस कौन सा है। तो इसी आईपी एड्रेस का यूज करके पूरे इंटरनेट पे या पूरे नेटवर्क पे आप बात करते हैं। एक्सप्लेन दी थ्री टाइप्स ऑफ एड्रेसेस इन टीसीपी आईपी। तो टीसीपी आईपी में आपके तीन मेन एड्रेस है, कैसे कैसे एड्रेस होंगे देखिए। अब यहां पर फिजिकल, पहले आपने यहां पर, यहां से शुरू करते हैं, यहां पर आपने एक ईमेल एड्रेस डाला कोई भी, यानी कि www.google.com या yahoo.com या जो भी आपने डाला वो यहां होगा। डीएनएस सिस्टम क्या करेगा, इसका आईपी निकाल के लाएगा, लेकिन एक्चुअल एड्रेस जो ये जो आपने डाला है, ये आपने एक एक यूआरएल डाला है जिसकी कोई वैल्यू कंप्यूटर को नहीं है। जब तक इस ये जो www.mhe.com किसी जगह पे रखा होगा ना, वहां का आईपी एड्रेस आपको पता ना चले, वो एप्लीकेशन लेयर पे डीएनएस काम करता है, वो लेके आएगा। ये हो गया। अब आप नीचे वाली लेयर में गए, इस लेयर पे टीसीपी यूडीपी काम कर रहा है। अब टीसीपी यूडीपी क्या करेगा, आपने वेब एड्रेस खोला है, आप किसी न किसी वेब सर्वर से बात करना चाहेंगे, तो आपका पोर्ट नंबर क्या होगा जो आपको ऑटोमेटिकली जनरेट यहां पर मिलेगा आपके सिस्टम पे, और आप वेब सर्वर से कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो वहां का पोर्ट एड्रेस होगा 80, फिक्स्ड है ये। जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, अगर आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां का क्या होगा 20 या 21, टेलनेट कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो उसके पोर्ट एड्रेस, इसे हम पोर्ट एड्रेस करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करता है और ये आपको देता है। 0 से 1023 फिक्स होते हैं, आगे के जो है 45,000 से लेकर 65,000 तक वो आपको कोई भी मिल सकता है। फिर उसके बाद ये जो पोर्ट एड्रेस है, आप जैसे नीचे गए, यहां पर आपको लॉजिकल एड्रेस मिलेगा, ये है आईपी एड्रेस, ये आपका नेटवर्क लेयर है, तो यहां पर राउटर टू राउटर जाना है आपको, तो लॉजिकल एड्रेस मिलेगा, इसको आईपी एड्रेस कहते हैं। लेकिन जब आप यहां पर फिजिकल एड्रेस के बारे में बात करेंगे, अब आपको एक्चुअल बिट्स भेजने हैं, तो किसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे भेजोगे आप, तो वो होगा मैक एड्रेस। यही है आपका फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस हो गया, मतलब जो आपका NIC कार्ड होगा उसका मैक एड्रेस होगा। इसी तरीके से इंटरनेटवर्क एड्रेस, जिसको हम लॉजिकल एड्रेस भी कह रहे हैं, और पोर्ट एड्रेस वाला ये हो गया, ये तो आपका स्पेसिफिक एड्रेस हो गया जिसका DNS आपको वैसे भी IP देगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राउटिंग टेबल। आप इस तरीके से समझिए कि इतने सारे सिस्टम हैं, कौन आपके करीब है, किसको भेजना है, किसका क्या पोर्ट है, यहां से यहां तक जाने में कितने हॉप्स लगेंगे, हॉप्स मतलब यहां से यहां तक जाने, ये एक हॉप होता है, यहां से यहां जाएंगे तो दो हॉप होंगे, इसको हॉप कहते हैं। तो राउटिंग टेबल का मतलब ही यही है कि जब इतने सारी चीजें हो जाती हैं तो हमको पता तो होना चाहिए कौन हमारे करीब है, किसके पास मैं पैकेट भेजूं, किसके पास पैकेट जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, किसको ना भेज के किसको भेजूं, तो उसके लिए टेबल मेंटेन की जाती है। तो राउटिंग टेबल का मतलब ये हुआ कि वो रूल्स, इसको टेबल फॉर्मेट में देखिए, ये टेबल फॉर्मेट में है, जो आपको बताता है या डिटरमाइन करता है इस मेट्रिक वगैरह से कि जो डेटा पैकेट्स आईपी पे जा रहे हैं, आईपी नेटवर्क पे, वो कहां जाने वाले हैं। क्योंकि जब पैकेट आ रहे हैं उनको खटाखट जाना है, यहां से ऐसा नहीं कि वो वेट करेंगे, ये राउटिंग टेबल इस यहां पर आएंगे, राउटिंग टेबल उस फटाफट देख के खट से यहां भेज दिया जाएगा, हो सकता है उसको यहां जाना हो सकता है उसको यहां जाना हो। तो जितने भी आईपी एनेबल्ड डिवाइसेस हैं, जिसमें राउटर्स भी हैं, जिसमें स्विचेस भी हैं, वो सारे के सारे ये राउटिंग टेबल यूज करते हैं, उसी से काम बन पाएगा, वरना किसको क्या पता चलेगा। व्हाट इज यूनिकास्ट मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। पहले आपको बता दूं, यूनिकास्ट होता है 1-to-1, मल्टीकास्ट होता है 1-to-several, और ब्रॉडकास्ट होता है 1-to-all। जब एक पार्टी दूसरे पार्टी से कम्युनिकेट करती है या पैकेट भेजती है, एक सोर्स एक डेस्टिनेशन, इसे कहते हैं हम यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट का मतलब होता है एक पार्टी, मान लीजिए यहां पर बहुत सारे इसके नेटवर्क में या किसी और के नेटवर्क, और भी नेटवर्क्स हो सकते हैं, तो जब ये केवल इनको भेजे और इनको भेजे, हो सकता है ये सेम नेटवर्क में हो सकता है ये दूसरे नेटवर्क में हो, इसको हम कहते हैं मल्टीकास्टिंग। और ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहां पर इनके नेटवर्क में 4 डिवाइसेस हैं, ब्रॉडकास्ट मतलब वो चारों को भेजेंगे, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी, कम्युनिकेशन मतलब इस तरीके से होगा। अब मल्टीकास्ट जो है वो यूज होता है हमारा खास तौर पे कॉन्फ्रेंसिंग जब कर रहे होते हैं या इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कर रहे होते हैं, तो ये तरीके हैं आपके कम्युनिकेशन के।
व्हाट इज प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब प्रोसेस क्या हुआ पहले आपको ये समझा दूं, ये सब बताता हूं आपको, लेकिन पहले समझ लीजिए प्रोसेस क्या हुआ। आपके सिस्टम में आपने एक वेब ब्राउजर खोला, मान लीजिए क्रोम खोला। अब आप उसने उसमें आपने वेब एड्रेस टाइप किया, वो वेब एड्रेस जब टाइप किया तो वो वेब पेज कहां से आएगा? वो किसी सर्वर से आएगा, मान लीजिए ये सर्वर है आपका, सर्वर है या वेब सर्वर है। अब यहां जो आपका प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस कौन सा आपका? वेब पेज, यानी कि आपको यहां से कम्युनिकेट करने के लिए क्या करना है, आपको HTTP यूज करना पड़ेगा प्रोटोकॉल। तो ये जो आप कर रहे हैं ये एक प्रोसेस है, यहां जो चल रहा है वो एक प्रोसेस है। इसका मतलब आपको जो पोर्ट नंबर मिला वो एक प्रोसेस को मिलता है, जो भी प्रोसेस या सर्विस आप अपने सिस्टम पे शुरू करेंगे उसको एक पोर्ट एड्रेस कौन दे देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम दे देगा। ऐसी जब आप इससे कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, HTTP चलता है 80 पे, आजकल आप HTTP बेस यूज करते हैं वो चलता है 443 पे। तो ये प्रोसेस और ये प्रोसेस जब कम्युनिकेट करते हैं इसी को प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है जी। तो ये जो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन है ये आपका मेनली हो रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। कहां हो रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर का ही काम है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब आईपी का काम क्या है? कंप्यूटर लेवल पे इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम है कंप्यूटर लेवल पे कम्युनिकेट करना। अब जैसे ही आईपी, ये जो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, ये मैसेज देता है डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन, मतलब इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन, लेकिन इस डेस्टिनेशन से किस प्रोसेस के लिए जाना है? आपके इसमें वेब ब्राउजर भी चल रहा होगा, हो सकता है आपने कुछ ऑनलाइन गेमिंग भी कर रखी हो, गेम भी खेल रहे हो ऑनलाइन आप, तो ये अलग प्रोसेस पे चल रहा होगा, ये अलग पोर्ट नंबर पे चल रहा होगा, है ना। तो किस प्रोसेस से किस प्रोसेस को बात करना है? अगर मान लीजिए आपने यहां से भेजा या यहां से आपका वेब पेज आया तो वेब पेज किधर जाएगा? वेब पेज तो आपके इस प्रोसेस को मिलना चाहिए जिसने मांग की है। इसका काम जो है वो कौन करता है? UDP या TCP। और ये जो UDP TCP है ये है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, UDP हो या TCP हो, इन्हीं का काम है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। और इसको मैं एग्जाम्पलीफाई कर देता हूं, देखिए, जिसमें हम एक सेंडर और एक रिसीवर अपने प्रोसेसेस से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, प्रोसेस या सर्विसेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप चला रहे होंगे, उसे हम कहते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन बफरिंग। बफरिंग क्या होगी? देखिए, होता यह है कि हम जब बफर की बात करते हैं तो एक, फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर साइंस वाले, आप एरे के रूप में समझिए, हमारे पास एरे में इतनी जगह है, एक पैकेट यहां आएगा, एक पैकेट यहां आएगा, एक पैकेट यहां आएगा, एक पैकेट यहां आएगा, लेकिन जैसे ही पांचवा पैकेट आएगा वो कहां जाएगा, है ना। तो टीसीपी का जब कनेक्शन, टीसीपी जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, तो जब यहां पर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन या एंड टू एंड डिलीवरी का काम शुरू होता है तो यहां पर बफर भी डिसाइड होता है, बफर कितना होगा। तो टीसीपी हमेशा बफर का यूज करती है, यानी कि एक जगह का यूज करती है, जो भी इसके पास कंटेंट आ रहा है, या जो देखिए टीसीपी में एंड प्रोसेस टू प्रोसेस एंड टू एंड डिलीवरी है, यहां पर एक होस्ट होगा, यहां पर एक होस्ट होगा, तो इसका एक बफर होगा, इसका एक बफर होगा, तो यहां क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स होता है टीसीपी, तो यहां पर जब जाएगा डेटा तो यहां पर जाके भरेगा, यहां पर जाएगा तो यहां पर भरेगा, इसी को हम बफर कहते हैं, है ना। तो यहां पर आप ये बेसिकली बफरिंग का मतलब यही है कि जब प्रोसेस अपनी अपना कंटेंट भेजना शुरू करता है तो टीसीपी क्या करेगा बफर में, क्योंकि अब ये बफर है जगह, इसमें यहां से तो खड़ाकर एंट्री हो रही है, अब इसको यहां से भेजना भी है, और टीसीपी जो क्योंकि ये रिलायबल है और ये कनेक्शन ओरिएंटेड है तो इसको जो भेजेगा उसका एक्नॉलेजमेंट भी आना चाहिए, समझ गया कि। और यहां पर भी यही काम हो रहा है, जब यहां से ये कंटेंट भेज रहा है इसका उसको यहां से एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए, तो जो भेज दिया एक्नॉलेजमेंट आ गया वो बफर से खाली हो जाएगा, लेकिन जो जो अभी भेजा है और जो जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया वो अभी भी रहेगा, क्योंकि अगर उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो उसको रिट्रांसमिट करना पड़ेगा,
तो एक्नॉलेजमेंट और रीट्रांसमिशन यही मेन चीज होती है टीसीपी की रिलायबिलिटी। तो बफरिंग का मतलब ये होता है, बफर मतलब जगह होती है एक तरीके से। तो मैं फिर से आपको बता देता हूं, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इसको। होता यह है कि टीसीपी दोनों ही एंड पे बता रहा हूं आपको, दोनों एंड पे ऑन ईच साइड, ये क्या करता है कि अपना जो इनकमिंग डेटा है टीसीपी सेगमेंट है उसको बफर में रखता है, टेम्पररी इसको रखता है, और उसके बाद ये देखता है कि जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट मिलता रहेगा उसको क्लीन वो हटाता रहेगा। पैकेट भेज दिया, उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया तो इसको हटा देगा, इसको हटा देगा, जब तक नहीं आएगा तब तक रखेगा, और अगर नहीं एक्नॉलेजमेंट आता है या पैकेट ड्रॉप हो जाता है जो भी सिचुएशन बनती है इसको रिट्रांसमिट करेगा। तो ये बफर में तब तक इसलिए रखना पड़ता है। व्हाट इज राउटर, व्हाट इज फंक्शन ऑफ राउटर, डिफरेंशिएट बिटवीन राउटर, स्विच एंड हब। पहले राउटर समझेंगे और जब हम अंतर समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि राउटर का काम क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है या एक कंप्यूटर भी हो सकता है जो दो या दो से अधिक आईपी नेटवर्क्स को जोड़ने के काम में आता है। अब इस चित्र को देखिए, इस चित्र में एक सेल्स डिपार्टमेंट है और एक अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये इनका लोकल एरिया नेटवर्क है और ये सारे जुड़े हैं इस स्विच से या हब से। स्विच बताऊंगा, दो लेयर पे काम करता है, इसलिए स्विच भी हो सकता है हब भी हो सकता है। लोकल के लिए आपका हब से काम चल जाएगा, स्विच को आप इंटेलिजेंट हब भी कहते हैं। ये स्विच से कनेक्टेड है, अब स्विच जो है वो राउटर से कनेक्टेड हो गया, तो अब ये इनसे भी कनेक्ट हो गया और ये बाहरी वर्ल्ड या इंटरनेट से भी कनेक्ट हो गया। ये काम है राउटर का। राउटर का जो शब्द है वो रूट से आया है, राउट रूट यानी रास्ता। तो पैकेट्स को, आईपी डेटाग्राम्स को रास्ता दिखाने का काम राउटर करता है। राउटर एक डिवाइस है जो दो या दो से अधिक पैकेट स्विच नेटवर्क को या सब नेटवर्क को, जैसे ये दोनों सब नेटवर्क है, इनको जोड़ता है। मेन काम इसका ये है मैनेजिंग ट्रैफिक, यानी जब पैकेट्स आना शुरू होंगे और यहां कम्युनिकेशन शुरू होगा तो इनको कहां किसको भेजना है, किस आईपी पे भेजना है, अलग अलग डिवाइसेस है, वो काम सारा राउटर के जिम्मे है। अब आप एक एक करके हब, स्विच और राउटर में अंतर समझिए। पहले मैं आपको लेयर्स बता देता हूं। हम ISO OSI यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, उसका एक मॉडल लिख लेते हैं, APSTNDP, एप्लीकेशन लेयर या फिजिकल लेयर। अब आते हैं हम हब पे। हब जो है वो हाफ ड्यूप्लेक्स मोड पे काम करता है। अगर लोकल जोड़ना है तो आप हब का यूज करेंगे। स्विच और राउटर दोनों के दोनों ये फुल ड्यूप्लेक्स पे काम करते हैं। फुल ड्यूप्लेक्स मतलब दो पार्टी है वो एक साथ आपस में बात कर रही है। हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब ये है कि दो पार्टी है आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन जब ये बात करेगा तो ये शांत रहेगा, जब ये बात करेगा तो ये शांत रहेगा। ये पहला हो गया। दूसरा आपका हुआ सेंड डेटा इन फॉर्म ऑफ बिट्स। जो हब है इसका मेन काम है, क्योंकि ये एक फिजिकल लेयर डिवाइस है, ध्यान रखिएगा फिजिकल लेयर पे काम करता है, इसीलिए ये बिट्स में डेटा को भेजता है। स्विच जो फ्रेम्स है डेटा को फ्रेम्स के रूप में भेजता है, और राउटर ये पैकेट्स के, आईपी पैकेट्स के रूप में डेटा को भेजता है। अब तीसरा ये है कि हब एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, यानी जब यहां पर ऐसे समझाता हूं आपको कि जैसे ये ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, अगर ये क्लाइंट कुछ इंफॉर्मेशन हब को भेजेगा, ये अगर मान लीजिए हब है तो वो सबको भेज देगा, ये देखेगा नहीं किसको भेज रहा है, वो सबको भेज देगा। हब का काम ये है, वो केवल ब्रॉडकास्ट कर देता है। स्विच का काम है मल्टीकास्ट, यानी कि अगर यहां मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो स्विच का करेगा इसको और इसको भेजेगा, ये मल्टीकास्ट करेगा। राउटर का काम बहुत ही बढ़िया है, वो क्या करेगा कि अगर उसके पास मल्टीपल डिवाइसेस है कनेक्टेड, या इस नेटवर्क में भी हो सकते हैं, बाहर के नेटवर्क में भी हो सकते हैं, तो जहां पर ये पैकेट जाना होगा, जिस आईपी पे जाना होगा, केवल उसी को भेजेगा, इसीलिए ये राउटिंग डिवाइस है। चौथा है हब जो है वो इस फिजिकल लेयर पे काम करता है। हब राउटर जो है नेट, ये लेयर थ्री पे काम करता है, यानी कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है। स्विच डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर दोनों पे काम करता है, इसलिए दो टाइप के स्विच आते हैं, लेयर टू लेयर थ्री, डेटा लिंक
नेटवर्क लेयर, लेयर टू लेयर थ्री, नंबर वन कर देता हूं, टू थ्री, तो लेयर टू लेयर थ्री दोनों पे काम करता है। तीसरा बता रहा हूं, ये आपका एक सेम नेटवर्क पे ये जो आइटम्स हैं या फिर आपके सिस्टम्स हैं उनको कनेक्ट करने के काम में आता है हब। स्विच और राउटर ये दोनों ही आपके कनेक्शन नेटवर्क का करते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि स्विच इंटेलिजेंट हब है, वैसे आप स्विच का हब का काम स्विच से भी करा सकते हैं, लेकिन राउटर अलग ही चीज होगी। तो स्विच का मतलब ये होगा कि ये भी एक नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, ये कि लेकिन ये मल्टीपल नेटवर्क को भी कर सकता है एक ही सबनेट, मतलब अगर एक ही नेटवर्क के बारे में बात करें। राउटर क्या करता है, ये दो अलग अलग नेटवर्क, मतलब बिल्कुल अलग अलहदा नेटवर्क को भी कनेक्ट करता है। चौथा ये है कि हब मैक एड्रेस, हर एक जो आपका कंप्यूटिंग डिवाइस होगा उसमें एक एनआईसी कार्ड होगा, नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड या इसके समकक्ष होगा, इसका एक मैक एड्रेस होता है जो बिल्कुल यूनिक होता है। तो हब इस मैक एड्रेस को स्टोर नहीं करता किसी भी नोड का। स्विच और राउटर ये मैक एड्रेस और साथ में आईपी एड्रेस दोनों ही स्टोर करते हैं। हब के टाइप हो सकते हैं एक्टिव हब, पैसिव हब और इंटेलिजेंट हब। स्विच के टाइप हो सकते हैं आपके लेयर टू लेयर थ्री, जो मैंने आपको बताया, डेटा लिंक लेयर वाला भी और नेटवर्क लेयर भी, एक तरीके से ये यहां पर काम करता है। राउटर के टाइप है ब्रॉडबैंड राउटर, वायरलेस राउटर, एज राउटर, कोर राउटर। आपके घर में अगर ब्रॉडबैंड लगा है जो आप मॉडेम देख रहे हैं वो भी एक तरीके का राउटर। व्हाट इज सबनेट मास्क, देखिए जो आईपी एड्रेस है ना उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी अगर आपके पास सबनेट मास्क नहीं। कई बार आप देखेंगे जैसे हम यही एड्रेस लेके चलेंगे एग्जांपल में अपने, यहां पर आप देखते हैं ये 135.70.1.0, हमेशा जो नेटवर्किंग वाले हैं इसके बाद इस तरीके से लिख के भेजते हैं 8 या इसके बाद आपका 24 ऐसा कर सकते हैं, वो ऐसे 24 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे इसमें जो आईपी एड्रेस है 32 बिट का भी है, इसमें 8 बिट 1 है। तो आप कहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद सारों को जीरो लिख देंगे ऐसे करके 32 बार, क्लियर हो गया। तो यही बात है कि सबनेट मास्क आपको बताता है दो चीजें करेगा। ये पहली चीज ये बताएगा आपको कि नेटवर्क आईडी कौन सा है और होस्ट आईडी कौन सा है, और ये जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है हर एक क्लास के, ये आपको बता, ये ऑलरेडी नोन है, क्लास ए क्लास बी क्लास सी, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड है क्लासेस कहां से कहां तक जाती हैं कहां से कहां तक नहीं जाती हैं, तो ये बिल्कुल डिफाइंड है। यहां पर सबनेट मास्क का एक और काम है, पहले मैं आपको इसका एग्जांपल दे दूं फिर मैं आपको ये दूसरे वाले पे लेके आऊंगा। अब मान लीजिए आपका ये 135.70.1.0 ये आपका आईपी एड्रेस है। अब होस्ट का आईपी एड्रेस है लेकिन इसकी नेटवर्क आईडी कौन सी है और होस्ट आईडी कौन सी है वो निकालना है। अब आप यहां देख रहे हैं कि ये एक क्लास बी का आईपी एड्रेस है, तो इसका सबनेट मास्क क्या है, ये इसको क्या करना क्या है, ये सबनेट मास्क के साथ क्या करेगा कि यहां पर 255, यहां पर 255, यहां जीरो और यहां जीरो ऐसे रखेंगे, इसका एंड कर देंगे, एंड में आपको ये वापस 135 मिल जाएगा, ये आपको 70 मिल जाएगा, यहां आपको 00 मिल जाएगा। तो ये जो है आपकी ये वाली, ये आपका नेटवर्क आईडी होगा। आप समझ गए, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को अलग करने का काम, या नेटवर्क बेसिकली पहले आप नेटवर्क पे पहुंचेंगे तब तो आप होस्ट पे पहुंचेंगे ना, तो नेटवर्क पे कैसे पहुंचेंगे, नेटवर्क आईडी चाहिए आपको, इसी तरीके से आपको होस्ट आईडी चाहिए। तो ये बेसिकली सबनेट मास्क का काम ही यही है। मास्किंग जहां भी शब्द देखें आप इसमें नेटवर्किंग में, आप समझ जाइए कुछ एंड वैंड होने वाला, कोई चीज हटाई जाने वाली है, तो जब इसको हटाएंगे तो पता चल जाएगा। एक तो क्लियर ये हो गया। अब अगला आइए, जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका ये नेटवर्क है, मान लीजिए आपका ये पूरा एक कॉलेज है, आप चाहते हैं कि भाई ये जो एडमिन है इसको मैं अलग कर लूं, और मान लीजिए ये आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है तो डिपार्टमेंट्स को अलग कर लो, ऐसे हम दो भाग में डिवाइड करना चाहते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, ये हम सबनेट मास्क से करेंगे। इसका तरीका बड़ा आसान है, बेसिकली ये है जैसे आपका फोन नंबर में एरिया कोड होता है उस तरीके से हम अलग अलग कर सकते हैं इसको। तो आप नेटवर्क को दो भाग में, 10 भाग में, 50 भाग में, जितने भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, किस क्लास का आपका एड्रेस है उसके हिसाब से। ये ध्यान दीजिएगा
जब कोई भी पैकेट आएगा बाहर से आपके पूरे नेटवर्क, आपका ये पूरा एक नेटवर्क है, आप करना क्या चाह रहे हैं, इस पूरे नेटवर्क को दो भाग में डिवाइड करना चाह रहे हैं, एक ये एक ये, अब मैं बताऊंगा कैसे करेंगे इसको। तो ये दो भाग में डिवाइड करना, आप इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं, और भी डिवाइड कर सकते हैं। ये काम कौन करेगा, सबनेट मास्क। देखिए कैसे होता है, मान लीजिए आपका ये, अच्छा ये आईपी तो यही रहेगा, आईपी तो चेंज नहीं होगा, बाहर के लिए आपका नेटवर्क या ये बाहर के लिए नेटवर्क आपका कॉलेज यही है, तो 135.70.1.0 मान लीजिए ये है। तो हम करेंगे क्या इसमें, इस भाग और इस भाग को डिवाइड करने के लिए, ये तो आपका तीन पार्ट, इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ सकते आप, तो आप क्या करेंगे, इसको लेंगे 135.70.1. इसको मैं पूरा लिख दे रहा हूं, इसको लिखेंगे 0000 8 है ना, 0000। पहले वाला जो है इसको हम यहां पर जीरो फिक्स कर देंगे, और अगले वाला जो होगा उसको हम क्या करेंगे, मतलब ये एक एक के लिए कर लिया, एक नेटवर्क के लिए एक पार्ट। अब दूसरा हमको जैसे डिपार्टमेंट का करना है, तो 135.70.1. अब इस जगह 1 फिक्स कर देंगे, बाकी जगह 0 रख देंगे, ठीक है। अब ये मैंने दो भाग बताया, इसी तरीके से हम करते रहेंगे। अब इसका, अब आप बोलेंगे इसका कैसे पता चलेगा हमको, तो ये कहां से गया, ये जो होता है ये कितना हो गया, ये हो गया 135.70.1.0, और ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 135.70.1, और ये कितना होता है, या आप अगर बाइनरी में गिनेंगे तो ये आपका 128 हो गया। तो पहले नेटवर्क के जो होस्ट हो सकते हैं, मतलब ये जो अलग अलग पार्टीज हो सकती है, कितनी हो सकती है, 135.70.10 से लेकर 137.70.1.127, यहां तक हो गया। और इस नेटवर्क का कहां से शुरू होगा, 136.70.1.128 से लेकर 136.70.1.255। ध्यान रखिएगा, ये जो पहला और दूसरा आप यूज नहीं कर सकते, पहला तो आपके नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर रहा है, दूसरा जो होता है वो ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो इसमें आपके जितने भी बन रहे हैं उसमें -2 कर दीजिएगा, उतने आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, और भी काम कर सकते हैं, तो दो काम हो गए सबनेट मास्क। व्हाट इज लूप बैक एड्रेस। अब मुझे अपनी खुद की हेल्थ पता करनी है, मैं अपनी हेल्थ कैसे पता करूंगा, मेरे कंप्यूटर पे, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो TCP/IP स्टैक है, या कहें कि जो प्रोटोकॉल स्टैक है, वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो कैसे पता करूंगा, है ना। इसी के लिए हम लूप बैक एड्रेस का यूज करते हैं। लूप बैक एड्रेस अगर आप यहां पर देखें, तो इसमें जो क्लासेस है उसमें एक पूरी तरीके से डेडिकेटेड 127.0.0.1 ये लूप बैक एड्रेसिंग के लिए डिफाइन कर दिया। तो जो लूप बैक एड्रेस है, अगर आप अपने वेब ब्राउजर पे जाके 127.0.0.1 टाइप करेंगे, तो आपको सेल्फ आपका वेब सर्वर भी वही है, कहां पर, आपके सिस्टम पे, और आपका क्लाइंट भी वही है, वो काम करेगा। और अगर आप पिंग करेंगे, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ये पिंग करते हैं 127.0.0.1, तो ये आपको पैकेट भेजेगा, ऐसे ये पैकेट जा रहा है, ये पैकेट आप जानते हो कि ऊपर से नीचे तक जाता है, फिर ये दूसरे नेटवर्क पे नहीं जाएगा, ये वापस घूम के आपके पास ही आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसकी हेल्थ पता चल जाएगी, ये सारी लेयर ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो क्लास ए नेटवर्क नंबर, ये क्लास ए नेटवर्क, इसका नंबर, क्योंकि ये कहां से कहां तक जाता है, देख रहे हैं आप, 0 से लेकर 127 तक, 127 क्लास ए नेटवर्क नंबर 127 ये असाइन किया गया है लूप बैकिंग के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप डेटाग्राम या जो भी आप कहें पैकेट कहें, वो आप जब भेजते हैं आईपी हाई लेवल प्रोटोकॉल स्टैक से, तो वो यहां से जाके सीधा वापस आपके पास ही आ जाता है, ये किसी और नेटवर्क में नहीं जाता, कोई भी बाहर के नेटवर्क में नहीं जाता है। तो अगर आप इसको टाइप करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, बता देता हूं आपको। पिंग जैसी आप मतलब सेल्फ चेक कर रहे हैं अपने सिस्टम का, तो आपको बताएगा कि भाई बाइट्स इतने हैं, टाइम इतना मिलीसेकंड लगा और टाइम टू लिव इतना है, तो ये आपको बता देगा, सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। व्हाट इज पिंग, व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय पिंग। तो पहले पिंग का फुल फॉर्म बता देता हूं आपको, ये है पी से पैकेट, आई से आपका इंटरनेट भी हो सकता है, इंटर भी हो सकता है, और एन से है नेटवर्क, और जी से है ग्रोपर। पैकेट इंटरनेट नेटवर्क ग्रोपर, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ,
देखिए, जब भी आप किसी कॉलेज, स्कूल या ऑफिस में होते हैं या आपके मोहल्ले में होते हैं, तो कोई भी मिलता है तो उससे क्या बोलते हैं? हेलो सर, हाउ आर यू? और भाई क्या हाल है? बोलेगा मैं ठीक हूँ यार, आई एम गुड, और आप अभी बताओ। इतनी ही बात होती है। तो पिंग जो है अपने साथी से या किसी भी कंप्यूटर से या किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस से, नेटवर्किंग डिवाइस से वो बात करता है कि भाई क्या हाल है। पिंग का काम यही है। तो पिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? ये ICMP यूज करता है, इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एक्चुअली ICMP जो है वो नेटवर्क के इश्यूज, प्रॉब्लम्स और हेल्थ बताता है। तो पिंग एक नेटवर्क यूटिलिटी है, पैकेट इंटरनेट नेटवर्क, इंटरनेट बोल दीजिए या इंटर बोल दीजिए, पैकेट इंटरनेट नेटवर्क ग्रोपर, ये एक नेटवर्क यूटिलिटी है जो सिग्नल सेंड करता है नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर को और जो वापस इसके पास आ जाता है। ये आपको बताता है कितने मिलीसेकंड में गया है, ये भी मैं आपको यहां बताऊंगा, कितने मिलीसेकंड लगे, कितना टाइम लगा पैकेट को इसके पास जाने और वापस आने। तो पिंग करता कैसे है? यहां से ये भेजता है ICMP यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल या मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, वैसे इसका मेन चीज मैसेज प्रोटोकॉल है बेसिकली। ये आपको इंटरनेट की या फिर नेटवर्क के कोई अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है उसको बताता है। तो आप इसको याद रखेंगे, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। कई जगह आप ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी देखेंगे। तो होता यह है कि ICMP का इको मैसेज भेजता है। इको का मतलब क्या है? कि भाई ये यहां गया और वापिस आया। तो पिंग सिग्नल ये स्पेसिफिक एड्रेस पे जाता है, टारगेट जैसे इसे रिसीव करता है, जैसे इको रिक्वेस्ट रिसीव किया, ये भी इको का ही रिप्लाई कर देता है। बस इससे पता चल जाता है कितनी दूरी है, क्या है। तो पहले मैं आपको इसका जरा वो बता दूं। देखिए साहब, जब आप पिंग करेंगे google.com तो वहां से आपको रिप्लाई आएगा, तो देखिए भाई ये मेरा IP एड्रेस है और ये इतना बाइट का कॉन्टेंट है, इतना 61 मिलीसेकंड, अलग बार अलग अलग टाइम लगा और टाइम टू लिव इतना है, कितने पैकेट सेंड हुए, कितने रिसीव हो गए, लॉस कितना हुआ, ये मेन चीज है। और टाइम मिनिमम मैक्सिमम भी बता दिया, तो आपको इसका एवरेज मिल जाता है, 60 मिलीसेकंड मुझे लग रहे हैं वहां से बातचीत करने में, मतलब रिक्वेस्ट भेजने में और रिस्पॉन्स आने में। वॉट इज ट्रेसर्ड? एक्चुअली ये है ट्रेस, यहां तक है, फिर आगे RT रूट के लिए। आपको पिंग और ट्रेस रूट में अंतर भी बताना है। ट्रेस रूट, अब आप देखिए ये सोर्स और डेस्टिनेशन है। तो ट्रेस रूट का काम ये होता है कि इनके बीच में, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जानकारी लेना, मतलब कितने मेरे मुझे हॉप्स लगेंगे, कितने राउटर्स क्रॉस करने पड़ेंगे ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं। ट्रेस रूट भी ICMP यूज करता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। पिंग भी ICMP यूज करता है, दोनों ही का ये काम है, लेकिन पिंग का थोड़ा सा अलग काम है, वो भी मैं आपको अंतर बताऊंगा। ये इको, ICMP का इको भेजता है और जो रिप्लाई है वो भी इको रिप्लाई बैक आता है। तो जो ट्रेस रूट कमांड है, आप ये देखिए इस तरीके से आप ट्रेस रूट google.com कर सकते हैं। ये ऐसी यूटिलिटी है कि भाई कितना टाइम मुझे यहां से पैकेट जाने में लगा और वापिस आने में लगा और साथ में कितने हॉप्स हुए, ये भी मेन चीज है इसमें। तो ट्रेस रूट जो कमांड मैं बता रहा हूं, ये पाथ बताता है, रास्ता बताता है, यहां से यहां तक रास्ते का क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मल्टीपल राउटर्स होते हैं ना बीच में। ट्रेस रूट कमांड ये आपको बताता है नाम और आईपी एड्रेस वो सारे राउटर्स जो इसके बीच में आए। इसके अंदर बताने से पहले देखिए, जब हमने google.com को ट्रेस रूट किया तो यहां पर इसने कहा 30 हॉप्स है, मेरे तक पहुंचने तक आपको इतने हॉप्स करने पड़ेंगे और ये जानकारी यहां पर आपको अवेलेबल होगी, कितना टाइम लगा इस आईपी पे, ये अलग अलग आईपीज है, यहां यहां जाना पड़ा। तो ये ट्रेस इस तरीके से किया जाता है। पिंग क्या करता है? पिंग यहां पर एक सोर्स है या डेस्टिनेशन है, ये केवल इससे पूछता है कैसे हो भाई, ये कहता है मैं ठीक हूं, बढ़िया हूं। तो यहां से इसने ICMP का इको भेजा, वहां से रिप्लाई आ गया, इससे पता चलता है कि कितना टाइम लगा, बेसिकली ये टाइम के लिए कितना टाइम लगा मुझे वहां, और हेल्थ भी पता चल गई भैया हो के नहीं हो। तो पिंग एक ऐसी नेटवर्क यूटिलिटी है जिसमें हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं,
नोड्स और डिवाइसेस के बीच। ट्रेस रूट जो है हम पैकेट का पाथ चूज करते पता करते हैं सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। पिंग नॉर्मली हम पिंग क्यों करते हैं कि भाई वो हमसे कनेक्टेड है कि नहीं है, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए और नेम रेजोल्यूशन के लिए। ट्रेस रूट जो होता है वो हम पूरा एग्जैक्ट पाथ पता करना चाह रहे हैं कि भाई किस राउट से ये जा रहा है, कितने मुझे हॉप्स लगेंगे और कितना समय लगेगा। पिंग में क्या करते हैं, पिंग और आईपी एड्रेस देते हैं, या पिंग में सीधा google.com भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये डोमेन नेम भी दे सकते हैं। ट्रेस रूट में आपको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, लेकिन ट्रेस रूट में आप यहाँ पर google.com भी कर सकते हैं, दोनों में क्योंकि लेटेस्ट वर्जन होते रहते हैं तो यहां पर भी आप दे सकते हैं। What are the well-known network protocols and their functions? वैसे तो अगर आप TCP/IP या ISO/OSI protocol stack देखेंगे, इसमें तमाम तरीके के network protocol हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, आपको समझना चाहिए और normally सबसे ज़्यादा use होते हैं। तो कुछ protocol TCP use करते हैं, transmission control protocol, ये आपका reliable और connection oriented protocol है। UDP कनेक्शन लेस अनरिलायबल है, अगर आपको ऑडियो वीडियो करना है तो आप UDP का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको फाइल ट्रांसफर करना है या रिमोट लॉगिन करना है या फिर आपको इंटरनेट यूज करना है यानी कि HTTPS वगैरह यूज करना है तो आप ये करेंगे TCP। एक एक करके मैं एक एक प्रोटोकॉल लेता हूं। सबसे पहला है ये TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप देखिए जो TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक है, जो मॉडल है उसका नाम ही में TCP है, क्योंकि TCP/IP मेन है इसमें। IP मतलब जो नेटवर्क लेयर हो गया या आपका ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है नेटवर्क में कम्युनिकेशन। तो यहां पर क्या होता है, TCP आपका रिलायबल कम्युनिकेशन देता है और साथ में ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन पहले स्थापित होगा और रिलायबिलिटी जो होती है वह आपके एक तो एक्नॉलेजमेंट और आपका रिट्रांसमिशन उससे अचीव होती है। फिर आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये देखिए पहले और दूसरे नंबर पे क्यों रखा मैंने, क्योंकि आईपी इस लेयर पे आईपी सबसे, ये पूरा आईपी तो है, तो आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एक एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है और मोस्टली TCP के साथ इस्तेमाल होता है। ये जो आईपी एड्रेसेस है पैकेट में, आईपी का नेटवर्क लेयर का काम ही है राउटिंग। मेन काम है इसका एक तो नेटवर्क ट्रैफिक और राउटिंग, ये इसका काम है, ताकि एक डेस्टिनेशन सोर्स से डेस्टिनेशन तक ये पहुंचा सके इंटरनेट प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, अब ये TCP का सब्स्टिट्यूट है एक तरीके से, लेकिन UDP अगर आप ऑडियो वीडियो कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग चाह रहे हैं, तो TCP थोड़ा स्लो है। क्यों? क्योंकि इसमें हर जगह हर एक कम्युनिकेशन का एक्नॉलेजमेंट चाहिए, और अगर कोई पैकेट मिस हो गया उसकी आप ये समझिए रिलायबिलिटी मेंटेन करने के लिए उस पैकेट को रिट्रांसमिट करना। UDP में ऐसा नहीं है। UDP अगर देखिए ऑडियो वीडियो में अगर एक आध आपका फ्रेम चला भी गया तो आपको क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन फास्ट होगा क्योंकि यहाँ तो ऑनलाइन गेमिंग में आप चाहोगे कि रुक रुक क्या है, नहीं ना। तो UDP जो है वो आपका एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और अनरिलायबल है। तो जहां पर आपका नेटवर्क मान लीजिए लॉस टॉलरेटिंग है या लो लेटेंसी वाला है, वहां पर आप ये एप्लीकेशन ऐसे जो ये कंट्रोल जिनके पास ये है वहां पर आप UDP का यूज करेंगे। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के साथ आपको SMTP भी समझना जरूरी है, इसलिए दोनों एक साथ काम करते हैं। इसीलिए देखिए SMTP प्रोटोकॉल काम कर रहा है आपका आपके एप्लीकेशन लेयर पे। SMTP का मतलब ये है कि आप जब अपने ब्राउजर से ईमेल भेजते हैं तो SMTP इसको पहुंचाता है मेल सर्वर पे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहां पर जो सिस्टम है जिसमें इसको जाना है, तो ये रिकवरी जो करता है, मतलब ये डालने का काम SMTP का, निकालने का काम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3। तो ये सेंडिंग के लिए है, डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए है, ईमेल जो जा रहा है, और जो पहुंच रहा है उसको रिसीव करने के लिए POP3 या POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। उसके बाद है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिए आपको पूरे आप देखिए कितने बार आप फाइल ट्रांसफर करते हैं, मल्टीपल टाइम्स आप फाइल भेजते हैं, मल्टीमीडिया फाइल भेजते हैं, टेक्स्ट फाइल भेजते हैं, डॉक्यूमेंट भेजते हैं, ये आप करते ही रहते हैं। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो एक फाइल को आपके सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजने में काम आता है।
मैं आपको बता दूं कि जो एफटीपी है वो आपका 20 और 21 इसका पोर्ट नंबर है, 21 है डेटा मतलब कंट्रोल के लिए, 21 डेटा भेजने के लिए। इसी तरीके से अभी हमने जो बात की एसएमटीपी की वो 25 पे काम करता है, पॉप 3 110 पे काम करता है। अब है एचटीटीपी। आपके वेब ब्राउजर पे आप क्या करते हैं, आप हाइपर टेक्स्ट एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल के पेजेस आते हैं, तो ये जो एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट इसी को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। यानी कि आपका वेब सर्वर है वहां से वेब पेज आएगा है ना, वो सारा काम जो है एचटीटीपी के जिम्मे है, क्लाइंट सर्वर के हिसाब से ये काम करता है और यहां से रिक्वेस्ट जाती है, यहां से रिस्पॉन्स बड़ा होता है, यहां से वेब पेज मांगते हो आप, यहां से वापिस आता है। एचटीटीपी किस पे काम करता है, एचटीटीपी काम करता है इसका नंबर है 80 पोर्ट नंबर, लेकिन एचटीटीपीएस इसके साथ सिक्योर सॉकेट लिस्ट सिक्योर सॉकेट लिंक है और वो आपका होता है 443 पे काम करता है। अब हम आते हैं एचटीटीपीएस पे, ये है एचटीटीपी लेकिन इसमें सिक्योरिटी आ जाती है। अगर आप आज गूगल क्रोम पे जाके एचटीटीपी वाले खोलेंगे तो आपका जो एंटीवायरस है वो बोलेगा नहीं नहीं ये तो अनसिक्योर्ड है, इसको हम नहीं खोलेंगे। तो एचटीटीपीएस या फिर एचटीटीपी करके भी टाइप करेंगे तो जो एचटीटीपीएस वाली होंगी वो अपने आप एचटीटीपीएस में चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एचटीटीपीएस का मतलब है ये है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर इसके साथ या जुड़ी गई है जो इनक्रिप्टेड है, मतलब जो पैकेट जा रहे हैं वो उसको बीच में कोई स्निफ नहीं कर सकता, कोई छेड़ नहीं सकता, कोई खराब नहीं कर सकता, कोई पढ़ नहीं सकता। टेलनेट, अब आप यहां बैठे हैं और आप एक दूसरे सिस्टम पे रिमोट लॉगिन करना चाहते हैं, तो रिमोट लॉगिन के लिए आपका टेलनेट है, इस पे काम करता है ये, इसका पोर्ट नंबर है 23। उसके बाद है गोफर। गोफर इसमें आपको सर्च करना है, कुछ चीज रिट्रीव करनी है, डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करना है किसी ऐसे साइट किसी आइसोलेटेड साइट से, ये भी क्लाइंट सर्वर पे काम करता है, लेकिन ये बेसिकली गोफर अगर आप पिंग देखेंगे ना PING उसके लास्ट में भी गोफर आता है, इनका काम यही होता है कि चीजों को लाना और दर्शाना। व्हाट इज टीसीपी कीप अलाइव, टीसीपी कीप अलाइव, आप देखें एक एक ऐसा मैसेज है जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जाता है बस ये चेक करने के लिए कि क्या भाई तुम जिंदा हो, क्या हमारा कनेक्शन अभी भी इंटैक्ट है। तो कीप अलाइव हेडर बेसिकली एक और काम करता है कि हम एक्सेसिंग जो कर रहे हैं वो फास्टर हो जाए, मतलब अगर आप बार बार देखिए एक वेब पेज यहां पर है, आपने एक बार मांगा फिर वो वेब सर्वर से आएगा, दोबारा मांगा वो भी वेब सर्वर से आएगा, जिसमें आप कह सकते हैं कि हम तो उसको कैश में रख देंगे, लेकिन यहां पर एक सिंगल कनेक्शन आपने स्थापित कर दिया और उसी से मल्टीपल आपके वेब पेजेस आ रहे हैं, वो भी टीसीपी कीप अलाइव देखता है। टीसीपी कीप अलाइव बेसिकली ये मदद कर रहा है इसके, तो वो आपका ये है कि कोई डेड कनेक्शन है, कोई कनेक्शन मेरा खत्म तो नहीं हो गया, तो जब आप टीसीपी कनेक्शन बनाते हैं और बहुत देर तक आप कोई के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जैसे टीसीपी कनेक्शन क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, मतलब आप कनेक्शन स्थापित करेंगे तब आप कम्युनिकेशन या डेटा भेज सकते हैं, तो अगर इसमें बहुत देर तक डेटा नहीं गया तो क्या होता है कि एक पैकेट भेजता है कीप अलाइव का और बस केवल उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाए तो इसका मतलब समझ जाता है कि वो अभी जिंदा है। अब देखिए जो टिपिकली जो टीसीपी है हर 45 से 60 सेकंड में जाता है अगर आइडल कनेक्शन है, तो अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वहां ये इसके बीच में कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है तब आपका 45 to 60 और उसके बाद कनेक्शन खत्म हो जाता है अगर 3 इसके एक नहीं मिलते हैं, मतलब 3 सिक्वेंशियल एक नहीं मिले आपको, कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है। तो इस तरीके से की पलाई भेजा जाता है और जो मैं आपको यहाँ ब्राउजर के बारे में एग्जाम्पल दे रहा था वो यहां पर है कि किस तरीके से की पलाई अगर आपने एनेबल किया है या डिसेबल किया है तो आपको क्या फायदे होते हैं। What is a pure ACK? Pure ACK का मतलब क्या है? ये एक TCP सेगमेंट है जिसमें डेटा नहीं होगा, केवल एक्नॉलेजमेंट आती है। जब केवल एक्नॉलेजमेंट आती है उसे हम प्योर ACK कहते हैं। एक TCP सेगमेंट जिसमें हेडर तो खैर होगा, पेलोड कुछ भी नहीं होगा।
केवल इस हेडर में जो हमारी फ्लैग्स हैं अलग अलग उसमें जो एक फ्लैग है वो वन होगी, इसी को हम प्योर एक कहते हैं। चलिए साहब, ये बात हुई सवालों जवाबों की। बहुत शुक्रिया।